पाकिस्तान में बेरोजगारी जो है ना वो अनस्किल्ड लेबर और फ्रेश ग्रेड्स की है जो कि मिड टियर यूनिवर्सिटीज से आते हैं। टॉप यूनिवर्सिटी के बच्चों को फॉरन ले लिया जाता है। खुदा ना खास्ता मैं आपको बोलूं, आपका जो ये कैमरा मैन है ना, इसने जाके लिंक्डइन पे लिखा है कि वहाँ मुझे रोजाना थप्पड़ लगाती है। Why did they resign? और साथ में क्यों रिजाइन किया उन्होंने? कैंसर था ना जो कंपनी में फैला हुआ था, जो नेगेटिविटी थी वो रह गई। मैंने जो दूसरा आर्टिकल पढ़ा था उसमें भी यही था कि you know, अगर हम लड़कों से बात कर रहे हैं, हमारे फोन ट्रैक किए जा रहे हैं, हमारी बातें सुनी जा रही हैं। मेरे पास सफाई करने की ऑप्शन क्या थी कि मैं सबको फायर करूँ? आई डोंट वांट टू डू दैट। शी लेफ्ट, three people who were closest to her also left. ये statement में भी है, but I want to know from you, like who is the person who joins your office from your family? Victim mindset रखना कि हाय हाय महंगाई हो गई इस वजह से मेरे साथ ये हो गया। एक ये वाली आवाम है और एक वो वाली आवाम है जो कहती है so what? I am gonna figure it out. What have you learned as an entrepreneur? Yeah. And आपकी क्या गलती थी? मेरी education अमेरिका की है, तो जो यहाँ की जो चलाकियाँ हैं वो शायद उतनी नहीं आई। और यहाँ वाला सीन नहीं है, जैसे यहाँ पे सर्वाइवल में ना सब नोच के एक पोजीशन को लेने की कोशिश कर रहे हैं। बट शोबिज में अगर आपके इतने माशाल्लाह कनेक्शंस हैं तो बताओ उसका नुकसान हो गया मुझे। क्यों? जेलसी विल ऑलवेज बी अ फैक्टर माहम, लाइक एंड एनीवन हु इज फॉलोइंग मी, व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल यू विल बी सरप्राइज्ड एट हाउ मेनी पीपल डोंट वांट यू एट द टॉप। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि यू चोज टू मेक इट यू नो विमेन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, जख्मों में नमक छिड़का जा रहा है। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हसल। आज मेरे साथ मौजूद हैं कोमल अजीज खान, शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस ऑफ पाकिस्तान एंड आई एम आल्सो बिगेस्ट फैन ऑफ हर ड्रामास एंड आई एम श्योर आपने भी देखे होंगे। उनका एक ब्रांड है ओमल बाय कोमल के नाम से, ये उनका एक स्टार्टअप है विच इज़ अ क्लोथिंग ब्रांड। सो उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के बारे में जानना था तो मैंने सोचा उनके साथ एक पॉडकास्ट किया जाए। दूसरा ये कि रिसेंटली एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, कुछ एम्प्लॉयज ओमल बाय कोमल के उन्होंने रिज़ाइन किया कुछ टाइम पहले और लिंक्डइन पर पोस्ट की इस बारे में कि उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं था लीडरशिप का। सो फिर कोमल की टीम ने हमें रीच आउट किया रिगार्डिंग द फैक्ट दैट उनकी तरफ की जो बात है, यानी कि जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, इट्स नॉट बीन हर्ड येट। सो वी थॉट वी शुड गिव हर अ प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग दिस एंड मी बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर एंड अ जर्नलिस्ट वुड लव टू लिसन द अदर साइड एज वेल। सो चलते हैं उनके एपिसोड की तरफ, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हेलो कोमल, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आई एम गुड। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। एंड मुझे बताएं आपको हसल के बारे में किसने बताया? हसल के बारे में मैंने लिंक्डइन पे देखा, अ फ्रेंड ऑफ माइन साद अफरीदी हु इज आल्सो द सीईओ ऑफ सेंस एंड स्टोरीज, यस यस, तो ही वाज माय क्लासमेट एट आईबीएम, तो ही गाइड्स मी अ लॉट विद माय बिजनेस एज वेल, क्योंकि मेरा और उनका बिजनेस जो है वो ई-कॉमर्स है और समवट सिमिलर है। तो आई वाज वाचिंग हिज स्टफ, उसमें मैंने देखा कि वो आपकी पॉडकास्ट पे आए हुए हैं एंड देन आई सॉ यू एंड देन आई फाउंड आउट अबाउट यू and there are very few female podcasters, so I was like this person looks good and mujhe na hustle ki branding bahut achhi lagi hai. Acha, so I just felt drawn to it. Red is the color of passion. Yeah, no it's the italics, it's the branding, all of it, it was very cute. You have a good number of followers, so I was like why not. Thank you so much for actually not just choosing us but because letting us know that we are doing something very important and I really like the fact that you empower women. और अभी थोड़ा सा bad scene भी हुआ, I would really want to talk about it. LinkedIn का आपने अभी जिक्र किया, did you underestimate the power of LinkedIn earlier? I don't underestimate anything. I just live in my own little world. और मेरी एक प्यारी सी अपनी छोटी सी दुनिया है, उसमें मेरे दो चार दोस्त हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग हैं और बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत वेल कनेक्टेड हैं, तो वो सारे कनेक्टेड रहते हैं और वो बाहर की दुनिया को देखते हैं और फिर वो उसे डिस्टिल करके मुझे दिखाते हैं और मैं बस वही सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन देखती हूँ और मैं एक अपनी छोटी सी दुनिया में रहती हूँ। तो क्या कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है, कौन क्या कर रहा है, आई वेरी रेयरली नो एनीथिंग। आई हैव माई लिटिल बिजनेस विच इज़ नॉट सो लिटिल एनी मोर माशाल्लाह, तो बस बिजनेस होता है और मेरी थोड़ी सी हॉबीज होती हैं और मेरा अपना एक हीलिंग जर्नी है वो होता है, वो चल रहा है एंड देयर इज बीच, द बीच समंदर है और स्विमिंग है एंड दैट्स इट। तो मेरी एक बहुत छोटी सी लाइफ है। तो ये क्या हो गया अभी?
जी अब क्या हो गया फिर यू नो ये जो कंट्रोवर्सी हुई आपको कैसे पता चला बाय द वे बिकॉज़ आप लिंक्डइन में नहीं है ना नहीं मैं लिंक्डइन पर हूं अच्छा आई एम एक्चुअली फेयरली एक्टिव बट प्रोफाइल इज नॉट लाइक दैट एक्टिव यू नो आई एम कंपेयर टू इंस्टाग्राम एंड इंस्टाग्राम भी एक्टिव नहीं है एक्चुअली मैं वंस अ वीक तो पोस्ट कर रही थी तो आपने देखी पोस्ट लिंक्डइन पे किसी ने दिखाई थी हां मैंने देखी और ऑब्वियसली आई वाज टैग्ड इन इट तो आई स्किम्ड ओवर इट आई डिड नॉट ड्वेल ऑन इट टू मच बिकॉज ये भी मेरी लाइफ का एक हिस्सा है कि देर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन एज अ सीईओ यू नो लाइक पता नहीं मैं कितने व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूँ एंड देर इज सो मच हैपनिंग ऑल द टाइम तो आप स्किम ओवर ही कर सकते हैं चीज़ों को ओवर थिंकिंग का ना मौका भी नहीं मिलता बिकॉज लाइफ इज जस्ट दैट फास्ट एंड ऑल्सो बिकॉज आई लिव दिस लाइक वेरी पीसफुल लाइफ इन माई ओन लिटल वर्ल्ड तो मेरा फोकस ना अपने ऊपर ज़्यादा होता है रादर देन वॉट आर other people saying or what are other people doing and I think that's a huge key to my success as well success not just financially I would say the inner peace that I have as well it's because I have always focused on myself so while focusing on myself and the business to maine thoda bahut skim kiya tha and I thought ab ye maham aisi baat hai ki agar khuda na khasta main aapko bolun ke आपका जो ये कैमरा मैन है ना इसने जाके लिंक्डइन पे लिखा है कि माह मुझे रोज़ाना थप्पड़ लगाती है ठीक है तो अब सही है आप बोलोगे यार मैं करती तो नहीं हूँ लेकिन आई डोंट नो व्हाई ही सेड दिस तो यू विल बी लाइक ओके व्हाटएवर पागल बट अच्छा सो हुआ ये कि दिस इज व्हाट आई थॉट एक के बाद एक उसने इतनी वायरलिटी पकड़ ली ऑलरेडी कि फिर लोगों को लगता है कि यही यू नो यही सच है दैट्स इट अच्छा मजे की बात क्या है कि दीज पीपल वर माय मार्केटर्स ओके सो आई हैड टॉट देम वायरलिटी सो दीज वर गर्ल्स हु वर लाइक टेक्सटाइल डिजाइनर्स ओके हाउ ओल्ड आर दे बाय द वे 2021 तो अच्छा मेरा एक बहुत ज़्यादा ये है कि मैं जो हूँ आई हायर फ्रेश ग्रेड्स क्योंकि उनको कोई हायर नहीं करता और वो अनस्किल्ड होते हैं राइट तो फिर मैं उनको ट्रेन करती हूँ और ट्रेन करके अपनी कंपनी में लेके आती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में लोग कहते हैं बेरोज़गारी बहुत है पाकिस्तान में बेरोज़गारी जो है ना वो अनस्किल्ड लेबर और फ्रेश ग्रेड्स की है जो कि मिड टियर यूनिवर्सिटीज से आते हैं टॉप यूनिवर्सिटी के बच्चों को फ़ौरन ले लिया जाता है और ज़रा सा आपके पास एक्सपीरियंस आते हैं उनके पास जॉब्स हैं उनका मसला नहीं है ऑफ कोर्स जो अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं ना वो हैं मिड टियर यूनिवर्सिटीज के वो बच्चे जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं है और जिनके पास कोई कनेक्शंस नहीं है तो मैं हायर ही इन बच्चों को करती हूँ ओके राइट सो दीज वर टेक्सटाइल डिजाइनर्स आई ट्रेन देम टू बिकम मार्केटर्स एंड दे वर ऑल्सो ब्लॉगर्स तो मैं उनको प्लेटफॉर्म भी देती थी अपने पेज पर अगर वो यू नो थोड़ी बहुत मॉडलिंग करना चाहें So I had taught them virality and I taught them because, you know, I have a social media background as well. I also have a marketing background. So I just didn't know. So why did they resign? Or saath mein kyun resign kiya unhone? Achha, ye toh bahut bada sawaal hai. Like, it's like, I mean, it's like so me I saying ki Pakistan mein inflation kyun hai? बड़ा ही यानी ये तो मैं इसका जवाब नहीं तो हम बहुत आगे चले गए ना कि उन्होंने पोस्ट लगाई एंड ऑल ऑफ दैट मैंने सोचा थोड़ा सा पीछे वापस आते हैं दैट रिजाइन अगर चार लोग एक साथ कर रहे हैं आई डोंट नो कि बिकॉज आप सीईओ हैं तो शायद वो बात आप तक उस वक्त नहीं गई या गई आपको पता चला मैं वेरी क्लोजली इन्वॉल्वड विद द कंपनी लाइक आई गो इन एवरी डे मुझे लगता है कभी कभी ऐसा होता है चाइनीज विस्पर अगर आपने कॉन्सेप्ट देखा हो तो चाइनीज विस्पर हो जाती है कि कुछ लोग दे फीड ऑफ ईच अदर्स नेगेटिविटी राइट एक बंदा नेगेटिव होता है बाकी सारे पॉजिटिव अच्छा काम कर रहे होते हैं लेकिन नेगेटिविटी ज़्यादा जल्दी फैलती है और पॉजिटिविटी फैलाना बड़ा मुश्किल है सो अगर मैं बहुत लंबी कहानी बताऊँ ना माहम आपको तो मुझे लगता है कि आई वंस हायर्ड अ बैड मैनेजर ओके टू ईयर्स अगो और वन एंड हाफ ईयर अगो दैट पर्सन वॉज स्प्रेडिंग नेगेटिविटी एंड आई डिड नॉट इवन नो राइट बिकॉज दे वर वेरी नाइस टू मी ओके But they were spreading negativity in the company and they were invoking fear in my employees ki Komal to she's kind of crazy she just like can fire anyone anytime do you know what she says about you acha mujhe aake wo kehti hai ki ye sare log jo hain kabhi bhi chhod ke ja sakte hain aur this is what she's doing right now this person is maine women empowerment ke liye unko hire kiya hua tha this person had a lot of like domestic issues that I don't want to reveal but I wanted to help her I didn't realize that this person was andar se company ko wo tod raha tha dono side se right kyunki manager beech mein hai aur aap hai aur fir aapke sare employees hain right
तो वो इधर कुछ कह रहे हैं, मुझसे डरा रहे हैं, और मुझे उनके बारे में कह रहे हैं, लेकिन मैं तो ऑब्वियसली आई स्टिल केयर फॉर देम एंड आई एम लाइक इट्स ओके अगर वो थोड़ा सा ऐसे सोच रहे हैं. दिस हैपेंड 2 years अगो एंड देन आई फाउंड आउट एंड आई म्यूचुअली मी एंड द मैनेजर डिसाइडेड कि ये रिलेशनशिप हमें ख़त्म कर देनी चाहिए. दिस पर्सन इज नॉट ऑन लिंक्डइन, दे आर ओल्डर. लेकिन वो जो कैंसर था ना, जो कंपनी में फैला हुआ था, जो नेगेटिविटी थी, वो रह गई. मेरे पास सफाई करने की ऑप्शन क्या थी कि मैं सबको फायर करूँ, आई डोंट वांट टू डू दैट. लेकिन क्योंकि नेगेटिविटी फैली तो लाइक व्हेन शी लेफ्ट 3 people हु वर क्लोजेस्ट टू हर आल्सो लेफ्ट. ओके ठीक है, बट देन सम वर लेफ्ट बिहाइंड. अब ये 2 साल पुरानी बात है और आपको पता है जेन ज़ियर्स तो बड़ी जल्दी जॉब स्विच करते हैं. हाँ. तो 6 महीने में 1-2 लोग और चले गए. ओके. फिर कुछ और. लेकिन जो नए लोग हायर होते जा रहे थे ना, पुराने लोग उनको अपने उस नेगेटिविटी से इन्फेक्ट करते जा रहे थे. तो देयर इज अ सर्टेन रूम, पर्टिकुलरली द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, दैट गॉट रियली इम्पैक्टेड बाय इट. अच्छा, एक और चीज क्या है कि जो लोग एक्सीलेंट होते हैं ना माहम अपने काम में, वो नेगेटिविटी में इतना पड़ते नहीं, बिकॉज उनका ना एक क्लियर फोकस होता है लाइफ में कि नेगेटिविटी हो भी रही है ना, आग लग रही है अभी इधर, आप अपनी पॉडकास्ट बोलेंगे नहीं नहीं अभी कोमल आई हुई है, इसकी पॉडकास्ट खत्म करनी है, आग वो लोग बुझा लेंगे. इफ यू आर फोकस्ड, इफ यू आर नॉट फोकस्ड एंड यू आर नॉट गुड एट योर जॉब एंड यू डोंट केयर अबाउट इट, अभी हर बहाना करके उधर जाके भी अपनी आग देखनी है, राइट? सो अनफॉर्चुनेटली माई मार्केटिंग डिपार्टमेंट वॉज वेरी वीक. अच्छा, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बात यह है कि मार्केटिंग हमारी वैसी इतनी अच्छी है ना, बिकॉज ऑफ मी आई हैव सो मेनी फॉलोअर्स, तो कपड़े माशाल्लाह इतना एफर्ट नहीं लगता, बिक जाते हैं. इन्फ्लुएंस है ऑलरेडी. हाँ, मेरे डिजाइनर्स बहुत मेहनत करते हैं, तो डिजाइन डिपार्टमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मेरी प्रोडक्शन मेहनत करती है, तो ये सारे लोग तो असल में काम करते हैं. मार्केटिंग वालों जो है थोड़ा चिल करके भी उनका काम चल जाता है. तो जब आप चिल कर रहे होते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो नेगेटिविटी ज़्यादा होती है. ये बात है, एज एन एंटरप्रेन्योर आई एम लर्निंग नाउ दैट नन ऑफ माय टीम नीड्स टू बी चिलिंग, राइट? सो मुझे इस बात को 2-3 हफ्ते हो गए, तो आई हैव हैड सम टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट दैट हाउ डिड दिस हैपन, लाइक दिस आई नेवर न्यू दैट समथिंग लाइक दिस कुड हैपन, राइट? एंड फॉर मी दे आर लाइक यंग चिल्ड्रन, राइट? दे आर लाइक क्यूट लिटिल चिल्ड्रन. तो अच्छा, मुझे जब उन्होंने पोस्ट भी किया ना, तो मैंने कहा पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया, व्हाई आर दे डूइंग दिस, आई डिडंट टेक इट वेरी सीरियसली. Then it just caught fire on LinkedIn. And then मुझे लगा कि कोई बिलीव ही नहीं करेगा, कितनी बेवकूफ़ वाली बात है ना, कि पता नहीं क्या अम्मी आती हैं और खाला आती हैं और उनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं. ये बताती हूँ मैं आपको, तो मैंने कहा तो बहुत ही अच्छी बचकाना बातें हैं ये, कोई बिलीव थोड़ी करेगा. बट देन आई रियलाइज कि पीपल आर बिलीविंग दिस. दैट्स लाइक मी सेइंग कि मैं माहम की पॉडकास्ट पर गई थी और उसने मेरे बाल काट दिए. पीपल विल बी लाइक ऐसा कैसे हो सकता है, राइट? But if people start believing this, I go from here and I write this. Now I've realized that people will believe it ki maham ne mere baal kaat diye peeche se. Like this is insanity, right? So what I've realized is people are very... Kyunki aapka word bahar nahi aaya tha. Because ek one-sided story hai. I think it's because I'm a public figure. I think it's also because it's very rare for women to be entrepreneurs, solo entrepreneurs, no husband, no brother, no father, no VC, bootstrapped. That's a very strange woman, but she is also famous and has power. No women like me exist. At least the ones I know, mujhe main nahi jaanti. If there are, I would love to be friends with them. Huge shout out podcast pe, agar aisi ladkiyan hain to please mujhse contact kare. I want to be friends with those women. It would be nice to meet people like that. So, होता क्या है, ह्यूमन नेचर क्या है, आप भी मार्केटर हो, कि जब आपने कोई चीज़ देखी नहीं होती ना, तो आपको उससे डर लगता है. मोस्ट पीपल हैव नॉट सीन समवन लाइक मी, राइट? एंड दिस इज समथिंग आई एम ग्रैपलिंग विद नाउ, कि मैंने कहा यार एक्टिंग में कभी कुछ नहीं हुआ, एक्टिंग में तो बड़ी सुकून की जिंदगी गुजरी है. जबकि आई थिंक पॉलिटिक्स तो उस इंडस्ट्री में इस सबसे कहीं ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं बड़ी सीधी बंदी हूँ ना, सीधा अपना काम किया निकलो, राइट? कॉन्ट्रोवर्सी में फंसो ही नहीं किसी चीज़ की, तो उलझो ही नहीं, तो उधर नहीं हुआ. बट व्हाट आई रियलाइज वाज बाय नेचर ऑफ मी बीइंग एन एक्टर बट देन आल्सो बीइंग रियली स्मार्ट एंड बीइंग अ सोलो एंटरप्रेन्योर हु हैज बूटस्ट्रैप्ड अ कंपनी, दिस इज अ वेरी यू आर अ यूनिकॉर्न दैट वे, राइट? आई डिडंट रियलाइज दिस, क्योंकि मेरे लिए तो नॉर्मल है ना, क्योंकि मैं तो मैं हूँ, मैं तो अपने आप से रोज हैंग आउट करती हूँ. बट यू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर विल हैव टू परफॉर्म डिफरेंटली एंड विल हैव टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट डिफरेंटली. और ऑल्सो जो आपने वो चिलिंग वाली बात बोली ना, आई कंप्लीटली अग्री विद दिस पार्ट स्पेसिफिकली, कि जहाँ जहाँ चिलिंग्स होती है ना, वहाँ वहाँ नेगेटिविटी जाती है, पॉलिटिक्स होती है.
पोपो बना होता है उसी से, यू नो. अच्छा, आई थोड़ा सा मेरा ये भी है कि मैं इन सम वेज आई एम वेरी नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट, और मैं उतनी चलाक नहीं हूँ इन द सेंस कि मेरा आई क्यू बहुत हाई है, अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू अलमिया फॉर गिविंग मी लाइक अ ब्यूटिफुल ब्रेन दैट हैज़ हेल्प मी सो मच इन लाइफ एंड हैज़ हेल्प मी गेट स्कॉलरशिप्स एंड यू नो एडमिशन इन द टॉप यूनिवर्सिटीज, वो तो मिल रहा है. लेकिन जो ये वाली चलाकियाँ हैं ना, ये मुझे नहीं आती, तो उसका रिजल्ट ही है ये. ड्रामे नहीं देखे आपने पाकिस्तानी और नहीं? मैंने नहीं देखे, मैंने काम किया है एज अ जॉब एंड आई हैव बीन आउट ऑफ इट. उस वक्त भी जब मैं ड्रामे कर रही होती थी ना, मैं कहती थी ये कौन देखता है और ये असली में होता है क्या ऐसा? बट अब मुझे रियलाइज हुआ है कि ये असली में होता है. दिस लाइक यू नो लाइक पेटी पॉलिटिक्स, टू मी इट्स पेटी पॉलिटिक्स, राइट? सो आई एम इनकॉम्पिटेंट एट हैंडलिंग पेटी पॉलिटिक्स बिकॉज आई एम अ स्ट्रेटजी पर्सन. आप मुझे स्ट्रेटजी बता दें, डिपार्टमेंट्स को रिवैम्प करना, प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे इंक्रीज करना, एट द सेम टाइम किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए कल्चर बिल्ड करना और कल्चर को मैनेज करना भी अब स्पेशली उतना ही जरूरी है. कल्चर बहुत अच्छा है हमारा. देखो अभी भी करंटली मेरी कंपनी चल रही है ना, इन चार लोगों के जाने के बाद भी, और ये चार जूनियर लोग हैं. क्या इससे इन्फ्लुएंस आया बाकी एम्प्लॉइज पे? दे वर ऑब्वियसली वेरी अपसेट, दे वर ऑब्वियसली वेरी हर्ट. सो देखो मैनेजर्स तो मेरे सारे मौजूद हैं और मैंने इंटरनली वो भी किया प्रमोशन. कोर टीम आपकी मौजूद है? कोर टीम तो मेरी मौजूद है, कोर टीम तो नहीं गई. इट्स एक्चुअली द वीक पार्ट ऑफ द कंपनी दैट लेफ्ट, राइट? द पीपल हु डिड नॉट गेट प्रमोटेड, द पीपल हु आर अनहैप्पी विद दैट, उन्होंने लिखा भी है, राइट? सो ये तो वो वाले लोग हैं. बाकी सारे इन्हीं के दोस्त हैं जो कि प्रमोट हो गए 21-22 साल में, वो तो बैठे हुए हैं बिकॉज दे हैव कमीशंस, दे हैव गुड सैलरीज एंड आई रियली लाइक दैम. मेरा थोड़ा सा एक इशू है कि आई रियली लाइक एक्सेलेंस. इफ यू आर नॉट एक्सेलेंट, यू आर नॉट गोना गेट अलॉन्ग विद मी. एंड सो वर यू लाइक इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद, मतलब वो आपको रिपोर्ट तो नहीं कर रहे थे, राइट? They would report to their managers. Okay. But unfortunately, marketing department काफी weak था, तो manager भी weak था. Okay. And that is, वापस जाऊंगी, आपने कहा that auntie thing, यार ये statement में भी है, but I want to know from you, like who is the person who joins your office from your family? अच्छा, so हमारा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत rebellious हूँ. मेरे घर वाले बेचारे परेशान हैं कि घर पे ये क्या एक यूनिक पीस पैदा हो गया है who is all about career. शादी वादी का कोई इरादा नहीं है, जस्ट सोली फोकसेस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिफोर दैट एक्टिंग. सो माय फैमिली, मेरी तो अपनी फैमिली से पहले जो है ना काफ़ी इख्तलाफात भी रहे बिकॉज ऑफ हाउ करियर, दे लव दैट आई हैव अ करियर बट दे डोंट लव दैट आई जस्ट हैव अ करियर, राइट? यू नो पाकिस्तानी फैमिली. लेकिन एक ब्यूटिफुल चीज़ पाकिस्तानी फैमिलीज की ये भी है कि आप फिर अपने आप को जब प्रूव करते हैं और जब आप फाइनली कुछ करना शुरू करते हैं तो वो सारे they get on board, right? So जब मैंने acting शुरू की थी तो they were very upset, right? I come from a normal middle class conservative family. I was like, मैं सिर्फ acting इसलिए कर रही हूँ so that I get some you know social media power and then I want to start a business. So when I started a business and when I stopped acting, पूरी family मुझे support करना शुरू हो गई कि बस शुक्र है इसने acting छोड़ दी, अब ये business करेगी. So they like really start supporting me और दुआएं और हर तरीके से. But they must be enjoying the fame ना? No. You know Pakistani families, they don't, acting is not respectable but business is respectable. So anyway मैंने शुरू किए 3 से 4 साल business अकेले चलाया. But then I realized कि एक family member at least थोड़े time के लिए office आके देखे, क्योंकि एक दो ऐसे इंसिडेंट्स भी हो गए थे जिसमें मेरी सेफ्टी जो है मुझे लगता है कि शायद कॉम्प्रोमाइज हो सकती थी. तो इवन दो वी हैव अ वेरी नाइस ऑफिस, वेरी सेफ ऑफिस, मैंने अपनी खाला से रिक्वेस्ट किया, वो स्कूल टीचर, लवली ह्यूमन बीइंग, तो मैंने उनसे कहा है कि आप स्कूल के बाद ज़रा मेरा ऑफिस देख लिया करें, क्योंकि अक्सर हम लोग सारे ना जो यंगर लोग हैं मैसी होते हैं, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़े हमें सिखा रहे होते हैं, जो अभी भी ऑनेस्टली हम जितने भी अपने पैसे कमाना शुरू कर देना हमें बड़ों से सीखने की ज़रूरत है, राइट? कुछ तमीज़ है, कुछ लिहाज है, कुछ सफाई सुथराई है, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो वी स्टिल डोंट नो. सो फॉर माई प्रोटेक्शन अच्छा लिखा हुआ है कि माई मदर नेवर कम्स टू द ऑफिस, क्योंकि मैं कहती हूँ अम्मी आप नहीं आ सकते. उसकी एक वजह मैं अपनी ये बताती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी सक्सेस का वो क्रेडिट ले कि मैंने करवा के दिया. तो मैं कहती हूँ नहीं, फैमिली का कोई बंदा नहीं आएगा, एवरी वन विल बी ऑन मेरिट विच इट इज़. हम लोग अच्छा बड़े मज़े की बात है, एक जगह पे लिखा हुआ है कि इसके इसकी फैमिली में ना फैमिली के सारे लोग कोमल में काम करते हैं. दूसरी जगह लिखा हुआ है कि ये तो इतनी जॉब पोस्ट लगाती है, पता नहीं कितने लोग हायर करती है. तो क्या मेरी फैमिली है तो फिर तो मुझे जॉब पोस्ट लगानी नहीं चाहिए.
राइट और अगर जॉब पोस्ट लगाई है इसका मतलब है फैमिली नहीं है. एनी वे सो माई खाला ब्लेस हर सोल शी कम्स इन फॉर 2-3 hours आफ्टर हर स्कूल जॉब जस्ट टू ओवरसी एवरीथिंग कि इज एवरीथिंग रनिंग ओके एम आई सेफ. और खुदा ना खास्ता अगर मेरी सेफ्टी का कोई मसला हो जाए आप भी जैसे कभी कोई इंटरव्यू में जाती हैं कहीं दूर दूर तो अपनी अम्मी को साथ लेके जाती हैं तो क्या आप उससे टॉक्सिक हो गई. यानी ये तो एक पाकिस्तान की एक रियलिटी है ना कि अगर एक लड़की जिसके साथ कोई मेल फिगर नहीं है कोई स्ट्रक्चर नहीं है आप भी अभी एक ट्रैक्स के स्ट्रक्चर के अंदर बैठी हैं बहुत सारे लोगों का आपके सर पे हाथ है. मेरे सर पे तो किसी का हाथ नहीं है मेरे सर पे सिर्फ मैं अकेली हूँ राइट. कोई वीसी नहीं है कोई कंपनी के अंडर कोई कंपनी नहीं है राइट. कोई हस्बैंड नहीं है कोई फादर नहीं है कोई भाई नहीं है. तो अगर मेरे घर वालों में मेरी एक खाला आके 2 घंटे के लिए ऑफिस में मेरे सर पे एक हाथ रखती हैं हाउ कैन दैट बी नेगेटिव. दिस इज आई थिंक सो द पॉइंट वाज कि उन्होंने सो द आर्टिकल सेड कि उन्होंने दीज एक्स एम्प्लॉइज जो है उनके साथ बदतमीजी की. दैट वाज द आर्टिकल. खैर हम दैट्स एन एलिगेशन. लेट मी रीड दिस फिर आप आराम से जो है ना मुझे जवाब दे दें. एंड नो हाउ टू पिक आउट पॉइंट्स क्योंकि फिर वो लंबा हो जाएगा. व्हाटएवर क्वेश्चन यू हैव. आई जस्ट हैव वन आर्टिकल. Okay, recently I started working at Omal, Omal by Komal. I noticed the environment there is quite unusual. Komal, the CEO, has some peculiar expectations to gossip and play politics. Her aunt and mother regularly monitor female employees to track phone use and interactions with male colleagues. There are very few male employees and any interaction between a girl and a boy is viewed negatively. There's no break given for prayer. You must eat, pray and even use the restroom within a 45-minute break. So मैंने जो दूसरा आर्टिकल पढ़ा था उसमें भी यही था कि यू नो अगर हम लड़कों से बात कर रहे हैं या हमारे फ़ोन्स ट्रैक किए जा रहे हैं हमारी बातें सुनी जा रही हैं यही वाली चीज़ रिपीट हुई है दूसरे आर्टिकल्स में भी. बहुत ही यानी सीरियस ही बात है ना कि ये क्या हाउ मीन लाइक नो आई रिजेक्ट दिस इट्स एन एलिगेशन कि आप अच्छा मैं फ़ोन ट्रैक करूँ कैसे मुझे कोई बताएगा कि इज़ देयर अ वे टू ट्रैक समवनस फ़ोन. और अगर मैं ट्रैक कर रही होती तो मैं ये जो पूरी पीआर डिजास्टर है वही बचा लेती थोड़े अच्छे से ट्रैक कर लेती. लाइक ऑफ कोर्स लाइक हाउ डू यू ट्रैक समवनस फोन एंड हाउ डू यू प्रिवेंट समवन फ्रॉम टॉकिंग टू अनदर पर्सन. दे आर सिटिंग ऑल डे इन द ऑफिस हाउ कैन आई प्रिवेंट इट. नॉट एट ऑल. और एनीवे लाइक सीईओ का तो ये काम ही नहीं होता ना खाला 2 घंटे के लिए ऑफिस आ रही थी. Maybe the HR manager told them कि इनको आपस में इतनी ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए which is I think every office में आपको बोला जाता है. Is there like strict structure कि वो breaks और वो नमाज और अच्छा नहीं I'm very particular about time. I really like अच्छा time में लेकिन दोनों तरीके से. ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि 45 minutes होते हैं 45 minutes में you have your lunch and you have your नमाज. और मुझे particularly पसंद नहीं है जो लोग late होते हैं राइट. सो अगर आप जब मैं आपके पास भी आ रही थी आपने देखा तो मैं आपको कितना इंस्टेंटली रिप्लाई कर रही थी राइट. अगर मैं लेट हूँ तो मैं यहाँ लॉस्ट हो गई हूँ. आई विल नेवर नॉट पिक अप माई फोन और नॉट रिप्लाई. मेरी वो टाइप ए पर्सनैलिटी है तो वो मेरी कंपनी में भी रिफ्लेक्ट होती है कि मैं आपसे कहती हूँ कि आप टाइम पे आएँ लेकिन फिर नेवर इन द 5 years आई हैव रन अ कंपनी आई हैव आस्क्ड एनीवन टू स्टे पास्ट 5:30. ओके तो अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि स्ट्रिक्टली आप 9 to 5 काम कर रहे हैं स्ट्रिक्टली तो फिर मैं आपसे लंच ब्रेक में भी तो यही कहूँगी ना कि आप स्ट्रिक्टली यही फॉलो करेंगे. ये बात क्यों नहीं लिखी कि कभी भी कोमल ने लेट नहीं रोका 5:30 के बाद नहीं रोका या एक्स्ट्रा आवर्स काम नहीं कराए. सो इफ आई अब तो देखिए ये विमेन ओरिएंटेड कंपनी थी राइट. लाइक आई रियली वांटेड टू हेल्प विमेन. तो बहुत सारी जो यंगर विमेन हैं उनकी जैसे शादियाँ भी हो गई नई शादियाँ हुई हैं तो लाइक यू हैव इन लॉज टू मैनेज राइट. बड़ी डिफिकल्टी हो रही होती है कभी कभी आपको परमिशन लेने में घर वालों से स्पेशली इफ़ यू आर न्यूली मैरिड कि आपको नौकरी करने की इजाज़त मिले. तो उसमें मैंने जो नोटिस किया कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है. ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि गर्ल अब ये दिस इज़ नॉट माई फैमिली बट व्हाट आई हैव सीन इज दैट वुमेन वॉन्ट टू रीच होम बिफोर द हस्बैंड. ये एक कल्चर है राइट. उसके लिए मुझे हर हाल में आई हैव टू लेट यू गो बाई 5. इफ़ आई हैव टू लेट यू गो बाई 5 क्या मैं आपको लॉन्ग लंच ब्रेक्स दे सकती हूँ? नहीं दे सकती ना. आई ऑल्सो हैव टू मेक मनी इन द एंड आई एम अ सीईओ राइट. तो यस दिस इज ट्रू दैट मैं कहती हूँ कि इस टाइम में आपने नमाज भी पढ़ लेनी है और आपने खाना भी खाना है लेकिन उसके बाद आई विल नेवर आस्क यू टू स्टे लेट एंड आई नेवर हैव.
इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक आई अग्री विद दिस कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए बिकॉज अच्छा सो इस बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक और है कि यू स्टार्टेड विद मेकिंग इट अ फीमेल ओरिएंटेड कंपनी यू नो एंड मे बी दैट वॉज अ ब्लंडर और व्हाटएवर ये इसको ख़त्म करके बस लास्ट एक पैराग्राफ है मोर ओवर कोमल इंटरमीडिएट्स एम्प्लॉयज हु गेट अलॉन्ग विद एवरी वन थ्रेटनिंग टू विदहोल्ड देयर सैलरी इफ दे डोंट शेयर गॉसिप आई डोंट नो व्हाट सेवन पीपल That's strange, by the way. Seven people were fired in May alone. They don't hire permanent staff, only interns whom they overload with work and pay poorly. Even after becoming permanent employees, face 4 to 5 months of probation to avoid salary increase. Contracts heavily favor the employer over the employee. Another tactic they use is hiring on a 7-day free trial period. Does this happen? Yeah. Okay. 7-day free trial period and then firing people on the 7th day claiming their performance is not satisfactory even though they get all their work done during this time. One last thing. If all the girls talk among themselves, joke or laugh, their aunt quickly interrupts and start sending recordings to Komal. Does that happen? Not at all. Okay. That's not true. The insecurity, right? हाँ रिकॉर्डिंग्स इज लाइक नहीं नहीं देखो ये सारी बातें अगर थोड़ी सी भी किसी के अंदर हम क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं डज इट नॉट लुक लाइक अ स्मियर कैंपेन डज इट नॉट लुक लाइक अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी एंड डज इट नॉट लुक लाइक समवन अनफॉर्चुनेटली हु इज़ वेरी मेडियोकर एट देयर जॉब हु इज़ वेरी अपसेट दैट देयर बीइंग क्वेश्चन्ड फॉर द मेडियोक्रिटी These are the people so who are talking. So the paragraph which says the salary and mehnat and all of that, I understand. But other than that, jo recording wali baat hai, that's very strange. You know, nee, nobody so is recording anyone. Why would I ever do that? That's not okay at all. But maybe like again, बहुत सारे लोगों को आजकल बेचारे लड़कों के ऊपर भी इस तरह के blames लग जाते हैं. वो बेचारे phone पे कुछ उठा के कुछ कर रहे होते हैं. लड़कियाँ कहती हैं कि इसने मेरी picture बनाई है, right? But that's not fair, right? आप कभी भी किसी पे कुछ भी कोई भी इल्जाम लगा सकते हो आई रिजेक्ट दिस क्लेम नोबडी वाज रिकॉर्डिंग एनीथिंग ऑब्वियसली ऑफिस में कैमराज हैं उस पे वो रिकॉर्ड हो रहे होंगे बट लाइक कोई मैं तो आई एम रियली बिग ऑन वेमेन एम्पावरमेंट आई एम रियली बिग ऑन यू नो इंडिविजुअल राइट्स मैं कभी भी प्रमोट नहीं करूँगी कोई किसी की रिकॉर्डिंग बना दे इफ एनी थिंग माई खाला इज देयर कि जस्ट इन केस देखो मैं भी इंसान हूँ मे बी आई कैन हायर अ रॉन्ग male person in the company and there are lots of younger females working so at least when there's an older person is tarah ki activities nahi ho sakti right वैसे हुई भी नहीं है कभी ऑफिस में अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे बारे में जितनी बातें कह लें यू एवरीवन नोज दैट द ऑफिस इज वेरी सेफ फॉर वुमेन राइट बिकॉज बॉस ही औरत है उसके बाद सीनियर मैनेजमेंट भी बहुत सारी औरतें हैं राइट देयर आर मेन एज वेल बट देयर आर वुमेन एज वेल सो इट्स अ वेरी सेफ प्लेस एंड दीस पीपल हु हैव रिटन दिस used to tell me कि बहुत सेफ जगह है और हमारे साथ प्रीवियस जगहों पे हरासमेंट के केसेस हो चुके हैं एंड वी आर सो हैप्पी ओवर हियर देखो हुआ क्या है कि पाकिस्तान में ना अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी इफ पीपल गेट ऑफेंडेड बाई इट बट मीडियोक्रिटी का कल्चर है एवरी वन काइंड ऑफ मीडियोकर एंड देर ओके विद इट दे जस्ट वॉन्ट टू लिव लाइफ एंड दे डोंट रियली हैव अ लॉट ऑफ देम डोंट हैव बिग एम्बिशंस अगर हैं भी ना उसकी एग्जीक्यूशन स्किल्स नहीं हैं कंप्लेनिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं कंप्लेन करना विक्टिम माइंडसेट रखना कि हाय हाय महंगाई हो गई इस वजह से मेरे साथ ही हो गया मेरे अब्बू ने ऐसा कर दिया तो मेरे साथ ही हो गया एक ये वाली आवाम है और एक वो वाली आवाम है जो कहती है सो व्हाट आई एम गोना फिगर इट आउट वो वाले लोगों की मुझसे बहुत अच्छी बनती है जिनको आप बोलें कि अभी लाइट भी नहीं चल रही कैमरा भी बंद हो गया ये माइक भी नहीं चल रही मैं जो ना अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग करूँगी बट वील मेक इट हैपन राइट आई एम दैट पर्सन मेरे जैसे जो लोग होते हैं ना वो जो दूसरे वाले मेडियोकर वाले लोग हैं ना उनको बहुत इंटिमिडेट करते हैं एंड इट्स ओके वी शुड इंटिमिडेट देम राइट सो आई एम सॉरी लाइक यू इंटिमिडेटेड बाय मी गुड सो अनफॉर्चुनेटली जो ये वाले लोग थे यस ऑफ कोर्स इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी तो बट मैं कुछ भी नहीं कहती लाइक एचआर विल समटाइम्स सेंड देम एन ईमेल कि आपने अपने केपीआईज मंथ के मीट नहीं किए हैं Sometimes when जो उन्होंने लिखा है कि 3 महीने की probation होती है ना normally तो एक person के साथ मैंने ऐसा किया है कि उस 3 महीने की probation में when they didn't perform well तो मैंने उनकी 1-2 month probation बढ़ाई है but they started performing well because of it it worked you know okay but उनको वो बात सही नहीं लगी okay interns का जो उन्होंने लिखा है कि first week free trial होता है बिल्कुल ऐसे ही होता है हम लोग पहले ये नहीं करते थे but मुझे realize हुआ कि जो interns हैं जो आपका स्किल्ड लेबर है उसमें सबसे नीचे जो है वो इंटर्न्स आते हैं उसके बाद फ्रेश ग्रेड्स आते हैं तो इंटर्न्स का तो मेरे पास कोई डेटा ही नहीं होता ना फ्रेश ग्रेड्स की फिर भी 2-3 इंटर्नशिप्स होती हैं जिसमें मैं रेफरेंस कॉल कर सकती हूँ
इंटर्न के पास तो कोई डेटा ही नहीं होता, नॉर्मली सबसे पहली नौकरी ही आपके पास कर रहा है, राइट? सो वी वेरी क्लियरली टेल देम जब हम उन्हें हायर कर रहे होते हैं कि देखो फर्स्ट वीक हम आपका ट्रायल लेंगे, अगर आप समझ आए तो वो वीक पेड हो जाएगा, अगर आप नहीं समझ आए, बिकॉज सो मेनी इंटर्न्स जस्ट सिट एंड डू नथिंग बिकॉज दे थिंक इंटर्नशिप होती ही है, राइट? तो कंपनी के पैसे मेरे ज़ाया हो रहे. और दूसरी बात ये, आई एम ऑल अबाउट बिल्डिंग सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स. मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करने के लिए पैदा हुई हूँ और आई हूँ पाकिस्तान, राइट? तो मैंने अकाउंटेबिलिटी लेके आनी है पाकिस्तान के अंदर. ये जो सारे जो ये सारे मैसेजेस हैं ना, ये विक्टिम माइंडसेट है. ये है कि हाउ डेयर शी मेक अस अकाउंटेबल, क्योंकि पाकिस्तानियों को आदत ही नहीं अकाउंटेबल होने की. अभी मैं बाहर गलत गाड़ी पार्क करूँ और मुझे फ़ाइन मिल जाए तो मैं अभी इतना गुस्सा करूँगी आप सबके ऊपर कि हाउ डेयर यू गिव मी अ फ़ाइन. यही चीज़ जब मैं बाहर मुल्क में जाऊँगी, मुझे धड़ाधड़ वो फ़ाइन लगाएंगे, मैं बोलूँगी देखो कितना अच्छा सिस्टम है इन लोगों का, ट्रैफिक भी नहीं होता, सही तरीके से पार्किंग मिलती है. क्यों है उनका सिस्टम अच्छा? क्योंकि फिर वो आपको पनिश भी करते हैं जब आप वो सिस्टम फॉलो नहीं करते. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ सिस्टम जहाँ पे ऑफ कोर्स लाइक इफ़ यू डोंट परफॉर्म वेल, येस योर प्रोबेशन विल बी एक्सटेंडेड. सिमिलरली उन्होंने लिखा है कि सैलरी नहीं दी. ये नोन बात है कि अगर आप बगैर नोटिस पीरियड के भाग जाएंगे तो आपको आपकी सैलरी आखिरी मंथ की नहीं मिलेगी. यू हैव टू सर्व अ नोटिस पीरियड. सो दीज आर किड्स हु कम फ्रॉम ऑब्वियसली मिटियर यूनिवर्सिटीज़, तो उधर भी करियर काउंसलिंग इतनी अच्छी नहीं हुई है, उसके बाद जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं है, और हमने भी बड़े लार्ज से उन्हें रखा हुआ है, राइट? लाइक आई रियली शावर देम विद लव. सारी बर्थडे सेलिब्रेट होती हैं, बीमार हो जाते हैं तो फॉरन हाफ डे करके चले जाते हैं. आई रियली लाइक टू हैव माई एम्प्लॉयज जस्ट यू नो फील वेरी सेफ एंड हैप्पी. तो उसमें वो आई थिंक थोड़े से स्पॉयल हो गए. और जब अकाउंटेबिलिटी आई ना, तो उन्हें अकाउंटेबिलिटी पसंद नहीं आई, ठीक है? उसके अलावा क्या हुआ जो मैं आपको बता रही हूँ कि मे बी वन पर्सन वॉज नेगेटिव एंड दे टर्नड अ फ्यू पीपल नेगेटिव. अब ये बात भी बहुत काइंड ऑफ टॉक्सिक है कि आप एक साथ चार लोग एक ही दिन में बगैर नोटिस पीरियड दिए रिज़ाइन करें. डज दैट स्पीक मोर अबाउट यू और द कंपनी? उन्होंने कहा कि हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही थी. मैंने भी काम किया. देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नोटिस पीरियड दिए बगैर भाग जाएं कंपनी से अपने तीन चार दोस्तों के साथ, फिर जाके आप एक नेगेटिव पीआर कैंपेन चलाएं सीईओ के ख़िलाफ़ और अपने फ्रेंड्स को इंक्लूड करें और फेक आईडीज बनाएं और पोस्टर्स बनाएं और एक स्मीयर कैंपेन चलाएं. तो मेंटल हेल्थ ख़राब आपकी कंपनी की टॉक्सिसिटी की वजह से थी या आप खुद आपस में टॉक्सिक हैं और उस वजह से आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है क्योंकि आप ही नेगेटिव 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 एक स्पायरल के अंदर हैं, राइट? सो दैट्स अ क्वेश्चन दैट आई विल लीव टू द ऑडियंस एज वेल. इफ यू आर अकाउंटेबल यू शुड नो दिस एज वेल. देखो कुछ ग्लास हाफ फुल और हाफ एम्प्टी वाली बात है. जिन लोगों के लिए ग्लास हाफ एम्प्टी होता है ना, वो कुछ भी करके हाफ एम्प्टी रहता है. और जिनके लिए हाफ फुल होता है ना, जैसे मैंने कहा अभी माइक भी नहीं होगा, मैं फ़ोन पर रिकॉर्डिंग करूँगी, मैं अपना काम करूँगी, आई नीड टू गेट इट डन, राइट? आई थिंक सो. आई मीन बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे जहन में एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप बहुत खुलकर बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर रही हैं. यू हैड अ चॉइस. यू कुड से कि नहीं आर्टिकल मत पढ़ो, नहीं इस बारे में नहीं करो, यू नो. सो आई रियली अप्रिशिएट कि आप इस बारे में बात कर रही हैं और बहुत अच्छे से, यू नो, एटलीस्ट मुझे तो बहुत अच्छा बिहेवियर मिला है. देखो ये आप मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यू नो लाइक यू वर ऑल्सो स्केयर्ड अबाउट डूइंग दिस पॉडकास्ट एंड व्हाट डिड आई टेल यू ऑफ कैमरा. इफ यू हैव अ बिग ड्रीम, फियर को तो अपने उससे निकाल दो, राइट? तो मेरा एक थोड़ा सा मसला भी है कि मुझे फियर का इमोशन फील नहीं होता. आई डोंट फील फियर. सो अगर आप लिख भी रहे हैं तो मुझे तो डर नहीं लग रहा ना किसी बात से. और अगर कोई भी मेरे बारे में थोड़ा जानता हो तो मैं तो तीन तलवार पे धरने करने वाली हूँ, मैं तो लैंडलॉर्ड से लड़ने वाली हूँ. आई सॉ दोस स्टोरीज एज़ इफ आई लाइक यार ये कहाँ खड़ी है. मैं तो दाढ़ी बंदी हूँ जो पुलिस से भी लड़ जाएगी, जो एस्टैब्लिशमेंट से लड़ जाएगी, किसी से भी लड़ जाएगी अगर उसे लगेगा कि वो सही पर है, राइट? आई थिंक एक जो आपने बीच में बात बोली थी कि जो ओपिनियनेटेड ख्वातीन होती हैं एंड एम्बिशियस वुमेन आर देयर, वो इमोशनली स्ट्रांग होती हैं, वो मेंटली स्ट्रांग होती हैं. दे डोंट टेक एनीबडीज शिट एंड इवेंचुअली पीपल आर इंटिमिडेटेड. पीपल मेनी पीपल डोंट लाइक देम, यू नो, बिकॉज ऑफ द फैक्ट के दे हैव दिस स्ट्रांग ओपिनियन विच इज़, जैसे कि आपने कहा कि मैं जब नोटिस पीरियड दिया ही नहीं है तो फिर सैलरी क्यों निकलेगी. यू डिडंट डिनाई कि हाँ वो हमने सैलरी नहीं दी थी एंड ऑल ऑफ दैट. सो यू आर वेरी क्लियर एंड दैट इंटिमिडेट्स अ लॉट ऑफ पीपल. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इंटिमिडेट, इट कैन इंटिमिडेट यू और इट कैन इंस्पायर यू. हाँ ऑफ कोर्स, दैट्स योर चॉइस, ऑफ कोर्स. बट द क्वेश्चन अराइजेस कि यू चोज टू मेक इट, यू नो, विमेन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन. यू हैड अ
गुड यू नो एम्बिशन ड्रीम और उसके पीछे बहुत अच्छी नीयत थी, बट फीमेल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाने का जो ख्याल है वो निकाल दिया अब. आपकी क्या गलती थी? अच्छा, मेरा एक उसूल ये है कि आई लाइक टू हैव इमोशनल कंट्रोल. और इमोशनल कंट्रोल का सीक्रेट ये होता है कि जब कुछ भी आपके साथ बुरा हो ना, उस टाइम पे आप चुप कर जाए, जस्ट स्टे क्वाइट, लेट द इमोशन पास एंड देन मेक अ डिसीजन. तो मैं आपके पास इस इंसिडेंट के 2-2.5 हफ्ते बाद आ रही हूँ ताकि जो जख्मों पे नमक छिड़का जाए तो मेरे पास एक लॉजिकल जवाब हो रादर देन एन इमोशनल जवाब, और मैं जो एक्शन लूँ वो भी लॉजिकल लूँ. आई विल से दैट आई एम वेरी हर्ट बाय दिस इंसिडेंट. आई एम हर्ट, राइट? लाइक मैं जितनी भी स्ट्रांग हो जाऊँ, आई हैव अ हार्ट एंड आई वॉज जस्ट रियली नाइस टू दीज पीपल. एंड इनकी जब बर्थडेज होती थी तो हम इतने ज़्यादा सरप्राइज़ के साथ सेलिब्रेट करते थे. अगर ये कहते थे कि हमें बीच जाना है, हमें यहाँ जाना है, तो हम इनकी बातें सुन के we would organize company trips according to their preferences. Because I am the sort of person कि मुझे ना लोगों को खुश करने में बहुत मज़ा आता है. जब मैं लोगों को खुश करती हूँ तो मैं खुश होती हूँ, लेकिन मेरे अपने उसूल भी हैं. उसूल नहीं चेंज करती, लेकिन जहाँ पर अगर आपकी बर्थडे मैं सेलिब्रेट कर सकती हूँ, अगर मैं आपको ट्रिप पर लेके जा सकती हूँ वो मैं लेके जाऊँगी, लेकिन हाँ लंच ब्रेक आपकी 45 मिनट्स की होगी, राइट? बोथ दीज थिंग्स, आई एम नॉट अ पुश ओवर, बट एट द सेम टाइम आई एम काइंड एंड नाइस एंड ओपन हार्टेड. सो आई एम वेरी हर्ट बाई दिस. आई एम शॉक्ड एज वुड anyone be, जो मेरे टाइप का थोड़ा सा अंग्रेज पर्सन होता है ना, जो बाहर से पढ़ कर आता है और वो कहते हैं मैं पाकिस्तान को बदलने वाला हूँ, और फिर उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है, एंड देन देयर लाइक ओ गॉड नाउ आई नो व्हाई थिंग्स आर द वे दे आर, ओ माय गॉड. सो आई एम श्योर व्हेन आतिफ मियां लेफ्ट पाकिस्तान ही वाज डिसहार्टेंड. आई एम श्योर मे बी इमरान खान इज़ वेरी डिसहार्टेंड, बट अब उनको काफ़ी टाइम हो गया, वो होते रहते होंगे डिसहार्टेंड. आई एम श्योर अब्दुल सत्तार ईदी, उनके साथ इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हो चुकी थी, राइट? ही मस्ट हैव बीन वेरी डिसहार्टेंड. हमारे नोबेल पीस प्राइज विनर कौन है? डॉक्टर अब्दुस सलाम, नो आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, आई एम सो सॉरी ऑन कैमरा, बट जो हमारे नोबेल पीस प्राइज विनर्स हैं मल्टीपल, उनके ऊपर स्मीयर कैंपेन्स हो चुकी हैं, राइट? तो मैं तो कुछ भी नहीं, बट वी आर ऑल ह्यूमंस, वी डू फील वेरी हर्ट. सो अभी मैं हर्ट हो के ये कहूँगी कि फॉर नाउ जो मेरा बहुत बड़ा एम्बिशन था विमेन एम्पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, थोड़ा सा दिल टूटा हुआ है. तो अभी मैं कहूंगी मैं नहीं कर रही, लेकिन आई नो कुछ टाइम के बाद मैंने करना ही है. ये डाइवर्स रखने में कोई बुराई भी नहीं है. आई रियली लाइक, इट वाज माय ड्रीम टू एम्पावर वुमेन इन पाकिस्तान. आई जस्ट टुडे अ फ्रेंड ऑफ माइन वाज सेइंग कि कोमल तुम एक्टिविस्ट नहीं हो. आई गॉट रियली अपसेट विद हिम एंड आई सेड कि मेरी एग्जिस्टेंस पाकिस्तान में एक्टिविज्म है, बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू वुमेन लाइक मी हु आर रनिंग देयर कंपनी बाय देमसेल्व्स विदाउट एनी मेल फिगर. Right? It is just very rare. Right? So, आपकी core, अच्छा, so आप core team में there are male employees? They're mostly females. अच्छा. They're mostly females. I love celebrating, but वो जो core team है ना, वो औरतें जो हैं. और सबसे ज़्यादा long period के लिए कौन टिका हुआ है आपके साथ? Like five years. Starting से. Okay. Starting से जो मेरी production, but they're both men. I'm not saying anything. बट अच्छा, असल में वजह ये भी है कि आई वॉज एक्टिंग, तो मैं इतना सीरियसली हायरिंग भी नहीं कर रही थी. इट्स ओनली 2 years अगो व्हेन आई रियली सीरियसली स्टार्टेड हायरिंग. आई केम ऑन लिंक्डइन, आई स्टार्टेड राइटिंग पोस्ट्स के यू नो आई एम लुकिंग फॉर पीपल. उससे पहले इट वॉज मोर ऑफ अ साइड हसल एंड एक्टिंग वॉज द मेन थिंग. सो रेस्ट ऑफ द कोर टीम मेंबर्स जो कि खवातीन हैं, वो कितनी पुरानी हैं? 2 साल 1 साल इस तरीके से, जब मैंने कंपनी ज्वाइन की और मैंने उनको हायर किया और मैंने उनको मेंटोर किया. फुल टाइम कंपनी कब से काम करना शुरू किया है? 2.5 years ago. या ओके. सो एंड यू सी द रिटेंशन इज देयर, आई मीन इन जूनियर एम्प्लॉइज में नहीं है इतनी. नहीं, जूनियर में भी है, क्योंकि अगर वो प्रमोट हो जाते हैं, अगेन मैं अभी मेडियोकर और एक्सेलेंस की बात करूंगी, जो एक्सेलेंट वाले हैं उनको मैं बहुत जल्दी प्रमोट करती हूँ. मेरे पास इन्हीं के फ्रेंड्स हैं, कुछ यंग लोग, एक हेड डिज़ाइनर है और एक अकाउंट्स में लड़का है. दे आर सो एक्सेप्शनल दैट मुझे एक्सक्यूज ढूंढनी पड़ती है उनको किसी तरीके से पैसे देने की और प्रमोट करने की और उनका टाइटल चेंज करने की, बिकॉज आई एम लाइक कि बच्चे हैं ये, आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू स्पॉयल दैम इतनी जल्दी जल्दी प्रमोशंस दे के, बट देर ऑल्सो जस्ट सो गुड दैट आई नीड टू प्रमोट दैम एंड आई नीड टू गिव दैम डिफरेंट टाइटल्स. सो ऐसे भी लोग हैं ना कंपनी में. अब कोमल बाय कोमल की जो रेवेन्यू है और नेट प्रॉफिट है वो हर साल डबल हो रहा है. वी आर माशाल्लाह स्केलिंग लाइक दिस. हमारे हम सोशल मीडिया पे वायरल हैं,
तभी तो ये बात वायरल हुई क्योंकि हम बहुत वायरल है ना. तो मैं यही बात बोलने वाली थी कि देर आर कपल ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन, आई मीन एवरी अदर ऑर्गेनाइजेशन फेस्ड दीज थिंग्स कि वो बॉस की बुराई हो रही है, पॉलिटिक्स है, 10 तरह के मसले हैं, बट आपकी चीज़ ज़्यादा यू नो फायर पकड़ लिया उसने बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू आर एन इन्फ्लुएंसर ए बी इन्फ्लुएंसर लेड बिजनेसेस आर ऑलरेडी वेरी पॉपुलर यू नो. सो ओमल बाय कोमल वाज पॉपुलर बिकॉज कोमल अजीज खान इज पॉपुलर यू नो. सो लाइक आई सेड, देखो जब मुझे भी ना अपनी काउंसलिंग खुद करनी पड़ी थी और ये बात मैंने अपनी टीम को भी बोली थी कि देखो आई वॉज हर्ट के लोग मेरी बात यानी लोगों ने बस उनका पर्सपेक्टिव सुन के बिलीव कर लिया. आई वॉज लाइक हाउ कैन पीपल डू दिस, anyone can write anything about me, maybe someday someone will write komal murders people and they will believe because bas char post aa gayi aur hashtag lag gaye aur usme 5-6 logon ne aur comment kar diya to iska matlab hai itne sare log hain to wo galat nahi ho sakte. bahut time majority bhi galat hoti hai, right? so I was very hurt by it but at the same time I said komal tum is baat se hurt ho rahi ho lekin jab tumne business shuru kiya tha to in saron ne online aake tumhare kapde order bhi to kiye the na. jab tum airport jati ho और तुम्हें कोई एयरप्लेन की प्रेफर्ड सीट चाहिए होती है तो किस तरीके से तुम्हें प्रोटोकॉल देते हैं विदाउट यू आस्किंग. आपको 1A मिलता है, राइट? एक बार ऐसा हो चुका है कि प्लेन में मैं लेट हो गई थी, प्लेन के गेट्स बंद हो रहे थे, ओपन द गेट्स फॉर मी. सो पाकिस्तानीज हैव बीन वेरी काइंड टू मी, दे हैव गिवन मी, ऑफ कोर्स फायदा भी, दे हैव गिवन मी सो मच लव. आई थिंक उन्हीं लोगों से मैं बनी हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ अपने फैंस और अपने सपोर्टर्स के बिना. And I think this whole company that I've been able to build, right? I'm talking about, I'm a woman entrepreneur, but it's all these people who have supported me to get me here, right? So agar unme se kuch logon ne blindly wo baat believe karke thoda sa mujhe bura keh diya, to agar itna zyada pyar diya to chalo thoda sa hate bhi bardasht kar lenge, it's okay. So moving on, maine to yaar maine kitna controversy mein baat kar liya. So this wasn't my intention. Aapke andar bhi bahut se sawalat the and you really liked it. Ha, so I honestly had a lot of questions kyunki maine bhi article padh ke pura believe kar liya tha us pe. Kyun? I want to know this. To dekhiye sabse pehli cheez ye hai ki employees jo hote hain na, एम्प्लॉयर से ज़्यादा हमेशा उनको सिंपथी मिलती है. अच्छा. ये नेचुरल है, ठीक है? तो वो सिंपथीज, आई हैव बीन एन एम्प्लॉय, ठीक है? आई हैव नेवर बीन एन एम्प्लॉय, ठीक है? हाँ, तो आई कैन फील कि यार ओहो अच्छा रगड़ा लगा रहे हैं. अच्छा अब मेरे आई हैव हैड लाइक 12 बॉसेस जिनमें से एक दो के साथ मुझे मेरी बनी नहीं, कभी कोई फीमेल बॉस नहीं थी बाय द वे, सारे मेल बॉसेस थे. बट हाँ, वो बॉस की तरफ से वो टॉक्सिसिटी या यू नो माइक्रो मैनेजमेंट और ये बॉसी एटीट्यूड या डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, क्योंकि मैंने वो कहीं ना कहीं एक छोटा सा 6-7 महीने का फेज वो देखा है, तो आई कैन रिलेट विद दीज थिंग्स जब कोई बात करता है. तो इस वजह से मैंने बिलीव किया. अभी हाउ आर यू गाइस सो गलेबल? आई मीन देयर हैज टू बी अनदर साइड टू द स्टोरी, राइट? तो ये फॉरेन बिलीव करना मुझे समझ नहीं आता. तो दूसरी साइड तो सामने है ही नहीं ना, यही तो मैं आपसे कह रही थी. दूसरी साइड जब सामने है ही नहीं तो फिर सो अच्छा एक चीज़ ये भी है कि अगर आप उस पर बात ना करें देन पीपल लाइक ब्रो इसकी गलती है, तब ये कुछ बोल नहीं रही. आई एम अ पब्लिक फिगर, मेरे बारे में तो रोजाना कोई नई बात हो रही होगी, तो अब मैं रोजाना तो वीडियोस बना बना के उन सबके जवाब नहीं दे सकती. यस, अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज आर अंडरस्टूड ना कि ये तो फजूल बात है, बट वो जो एक एम्प्लॉय रिलेटेड सेंटिमेंट्स है ना लोगों के एम्प्लॉयज के साथ में इस वक्त पाकिस्तान में, वो बहुत ज्यादा हाई है. दैट इज द रीजन. फिर तो ये बार बार होता रहेगा. अभी कल को मैं किसी और को प्रमोट नहीं करूंगी, वो जाके लिख देगा. अब फिर मैं दोबारा से आऊंगी, नहीं नहीं असल में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, ये देखें प्रूफ उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल. नहीं, किसी एक के लिखने से कोमल नहीं हुआ ना. अब असल में ये हुआ कि कॉन्स्टेंटली आ रही थी ये पोस्ट, दैट इज द रीजन इट गॉट अ लॉट ऑफ फायर. वो लिखेगा उसके बाद ये जो पिछले वाले सारे हैं ये दोबारा से पोस्ट डाल देंगे, उसके बाद उनके 4 fake friends आएंगे और 5 real friends आएंगे. तो लाइक हाउ कैन आई हैव टू रन अ कंपनी, आई हैव गोल्स, आई हैव ड्रीम्स, हाउ कैन आई बी जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू दीज थिंग्स, राइट? सो मैंने तो बड़ा रिजिस्ट किया, मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करना था बिकॉज मुझे लगता है इट्स अ वेस्ट ऑफ माई टाइम. आई हैव सम गोल्स एंड आई एम अ वेरी गोल ओरिएंटेड पर्सन, लाइक आई चार्ज लाइक अ बुल. Towards I think that a lot thing. of people should listen to you because as an entrepreneur, female entrepreneur specifically in Pakistan, क्योंकि वो बहुत कम है. पहली बात, ख्वातीन प्रोफेशनल करियर में वैसे भी नहीं जा रही होती. दूसरी बात, वो बिजनेसेस रन नहीं कर रही होती. तीसरी बात, अगर वो बिजनेस चला भी रही है तो ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चला पाती. और अगर वो चला ले तो कहीं ना कहीं वो, क्योंकि उन्हें पर्सनल लाइफ बैलेंस करनी होती है, तो वो मीडियोकर ही रह जाते हैं. अगर हम टॉप बिजनेसेस की बात करें तो वो सब
मर्दाजात ही चला रहे हैं. इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल सी कोमल अजीज खान सून रनिंग अ इंशाल्लाह ग्रोइंग इंशाल्लाह ई-कॉमर्स बिजनेस. एंड दैट इज द रीजन मैंने कहा कि मैं आपकी एंटरप्रेन्योरियल, मैंने इंट्रो रिकॉर्ड किया आपके आने से पहले और मैंने इंट्रो में भी यही बात बोली है कि मैं उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी रिकॉर्ड करना चाहती हूँ. सो आई वॉन्ट टू नो, जो मैं हर सीईओ से सवाल करती हूँ कि वो क्या गलतियाँ हैं जो आपने अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में की और उनसे सीखा बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए. सो आई डोंट रियली सी इट एज अ गलती बट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न विच इज़ वॉट यू आस्क. श्योर. आई थिंक मेरी सबसे बड़ी गलती होगी बींग टू गलेबल, टू नाइव, टू ट्रस्टिंग. आई हैव बीन स्टोलन फ्रॉम, एक्चुअली एक दो कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं क्योंकि परचेजर्स वगैरह ने, जो हमारी फैब्रिक इंडस्ट्री होती है, कपड़े में चोरी करना काफी आसान होता है, राइट? जैसे ये लड़कियों की लेसेस होती हैं, तो जब हम बहुत बल्क बाइंग करते हैं तो उसमें इट्स क्वाइट इजी कि काफी बड़े अमाउंट की चीजें चोरी हो सकती हैं और ये होता भी कैश में परचेजिंग है, एटलीस्ट शुरू में कैश में हो रही होती थी. सो आई वॉज गलेबल, आई वॉज यंग, मेरी एजुकेशन अमेरिका की है तो जो यहाँ की जो चलाकियाँ हैं वो शायद उतनी नहीं आई. और जब मैं यहाँ पे स्कूल में पढ़ती थी तो आई वॉज ऑल्सो वेरी प्रोटेक्टेड. वो फ्रंट सीट वाले बच्चे नहीं होते जो बस टीचर से बोलते हैं यस मिस, मैं वो वाली थी. तो एंड देन आई वॉज ऑल्सो वेरी प्रोटेक्टेड बाई माई फैमिली कि मैं मोहल्ले में नहीं जा रही होती थी, मेरी फैमिली भी बहुत बड़ी नहीं थी. तो वो जो स्ट्रीट स्मार्टनेस है ना वो मेरे अंदर नहीं है. ये जो कॉन्ट्रोवर्सी भी है ना ये उसी का रिजल्ट है, राइट? कि मेरे अंदर वो स्ट्रीट स्मार्टनेस नहीं है. तो मैंने देखा है कि बहुत सारी मदर्स जो हैं अपने बच्चों को ख़राब दोस्तों से मिलने नहीं देती या बाहर क्रिकेट नहीं खेलने देती. तो मेरी अम्मी ने भी यही किया था, राइट? मुझे कहीं ज्यादा मिलने जुलने नहीं दिया था. मैं सिर्फ अपने जैसे ही दूसरे पढ़ाकू बच्चों के साथ ही दोस्ती रखी है मैंने हमेशा. और फिर मैं बाहर चली गई थी स्कॉलरशिप पे पढ़ने के लिए और उधर भी अच्छे पढ़ाकू बच्चों के साथ रही, ठीक है? उसके बाद मैं जब यहाँ पे एक्टिंग में आई तो एक्टिंग में भी बस मैंने अपने आप को कोई ज्यादा दोस्त वोस्त नहीं बनाया, बस अपनी एक्टिंग की और घर चली गई. उससे मुझे लगता है कि जो मेरी स्ट्रीट स्मार्टनेस थी और मेरी जो इमोशनल इंटेलिजेंस थी वो इतनी डेवलप नहीं हुई है. आई ब्रीफली वेंट टू आई बी देन आई वेंट अब्रॉड. मुझे लगता है आईबी में बड़ी पॉलिटिक्स होती है. तो पॉलिटिक्स यानी वो जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है, राइट? लाइक द वोटिंग एंड ऑल ऑफ दैट, मैं उसकी बात कर रही हूं. वो तो उसमें हर यूनिवर्सिटी में होता है. अच्छा. सो यू लर्न अ लॉट थ्रू दैट एज वेल, राइट? जो तंजीमें बनती हैं और लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. सो आई थिंक वो जो स्टूडेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल और ये सब इलेक्शंस, आप उसी की बात कर रही हैं? हां, वहां पे. सो दिस हैपेंड इन अमेरिका टू, बट उधर पॉलिटिक्स नहीं थी, उधर बस सिंपल था, माशाल्लाह इतने पैसे थे हमारे पास. लाइक जो यूनिवर्सिटी थी इट्स सो वेल फंडेड दैट यहाँ वाला सीन नहीं है. जैसे यहाँ पे सर्वाइवल में ना सब नोच के एक पोजिशन को लेने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ वो कहते हैं सही है मल्टीपल सोसाइटीज बना लो, ये रहते सारे पैसे कर लो, गो बाय टी शर्ट्स, गो थ्रू अ पिज्जा पार्टी, यू नो. सो लाइक द यूनिवर्सिटीज आर वेरी वेल फंडेड. तो आई नेवर रियली लर्न कि जो ये होता है ना एक पोजिशन पे 10 लोग भाग रहे होते हैं और एक दूसरे को पीछे करके भाग रहे होते हैं, मुझे वो आते ही नहीं है. मैं कहती हूँ सबके लिए बहुत ज़्यादा, राइट? तो उसमें आई थिंक आई डिडंट लर्न इमोशनल इंटेलिजेंस. तो मुझे लगता है कि मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस और बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, थैंक्स टू अल्लाह मियाँ. ऐसे बार बार इंसिडेंसेस होते जा रहे हैं कि आई एम रियली लर्निंग हाउ टू बी वेरी स्मार्ट, राइट? तो दैट इज़ वन थिंग आई विश आई हैड लर्न सूनर. एंड आई थिंक जैसे अभी जो उन्होंने कहा है कि यू नो लाइक आई हैड वन फैमिली मेम्बर, तो मैं इस बात को बहुत रेजिस्ट करती थी कि फैमिली मेम्बर बिजनेस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कहती थी ये सेठिया निज़ाम है. बट अब मुझे सेठ्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है क्योंकि ये एक इकोसिस्टम है जो पाकिस्तान के बिजनेसेस को चला रहे हैं. येस, एज पीपल लाइक मी यंगर जनरेशन कम्स इन, वी शुड नॉट ट्राई टू चेंज द होल इकोसिस्टम. जो हम बाहर से पड़े हुए लिबरल हिपस्टर लोग आए, हम कहते हैं हम हर चीज़ बदल के करेंगे. नो, डोंट ट्राई टू डू दैट. देर इज़ अ रीज़न दिस सिस्टम वर्क्स and this has बगैर VC funds के इन सारे स्टेटों ने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ बनाई हैं, right? So now I actually learned from the states. और स्टेट company में हमेशा family members होते हैं. मेरी company में अभी भी कोई नहीं है, देर इज जस्ट वन पर्सन हु कम्स पार्ट टाइम एंड जस्ट ओवरसीज थिंग्स. बट आई थिंक मुझे इतना प्राउड नहीं होना चाहिए था कि मैं कहूँ कि मैं आके पाकिस्तान की सारी चीज़ें चेंज करूँगी. Similarly, I said that, you know, I will build a company which has all female leaders. Maybe I'm hurt right now. Maybe I'm hurt right now. Or maybe I need to really look at it. Maybe I need to build a company जिसमें female भी हो और male भी leaders हो,
राइट. तो अगैन अगर सेटिया कंपनी में कुछ चीज़ें चल रही हैं और दे हैव ग्रोन सो मच, दे हैव मेड सो मच मनी, राइट, एज अ सीईओ आई नीड टू लर्न फ्रॉम देम एज वेल. और अमेरिका का सिस्टम पाकिस्तान में कॉपी करने की बेवकूफ़ी अगर आप कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके करें, पूरा ना करें. तो दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट आई हैव लर्न द हार्ड वे. अमेजिंग यार, आई थिंक इट्स बिन 5 years आप एंटरप्रेन्योर जर्नी में हैं और आपने ये मेजर चीज़ें सीखी हैं. बट सवाल ये भी है कि आप क्या वो बिज़नेस एक्यूमेंट हमेशा से था? चले एक तो है इन्फ्लुएंसर लेड बिजनेस है तो ऑर्डर्स तो आ रहे होंगे, बट सिर्फ वो तो काफ़ी नहीं है. जो कि मैंने इंटरव्यू से पहले भी आपसे कहा ऑफ कैमरा कि इन्फ्लुएंसर लेड बिजनेसेस तो और भी बहुत हैं, पर हर कोई कामयाब नहीं है, हर कोई प्रॉफिटेबल नहीं है, हर कोई ब्रेक इवन टच नहीं कर पाता, यू नो. तो वो जो बिज़नेस एक्यूमेंट है, क्या वो पहले से था? If no, तो फिर आपने उसे कैसे बिल्ड किया? अच्छा, मैं थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल बात कहने वाली हूँ, जो लोग सुन रहे हैं. बिजनेसमैन पैदा होता है, बिल्ड करना बड़ा ही मुश्किल काम है. और गैरी वी हैं, एक बहुत मशहूर इन्फ्लुएंसर हैं, वो ये बात कहते हैं कि अगर आपने कभी नौकरी की है तो आप बिजनेस पर्सन थे ही नहीं. क्योंकि जो आप सब कहेंगे हमारे पास पैसे नहीं थे, प्रिविलेज नहीं था, आप प्रिविलेज होकर बात कर रहे हो, लेकिन जो बिजनेसमैन होता है ना, उसकी सांस बंद हो जाती है अगर उससे नौकरी करा ली जाए. मैं उन लोगों में से, मेरे पास कोई प्रिविलेज नहीं था. आज भी मैं कहती हूँ, अगर कोई मुझे करोड़ रुपए की नौकरी देगा और बोलेगा कि ये करोड़ रुपए की नौकरी है और ये गाड़ी है और ये हेल्थ इंश्योरेंस है, वर्सेस मेरे पास लाख रुपये हैं, मैं जाके अभी बन कबाब का ठेला लगाऊंगी और मैं उसमें कहीं ज़्यादा खुश होंगी 1 करोड़ रुपये की नौकरी से. वाई? बिकॉज ये कीड़ा है. देयर इज समथिंग इन यू. You cannot live if you are not running a business. So that's what I have, and you're born with it. I think very early on, I knew that I wanted to start a business. But like all girls, मैंने कभी कोई लड़की देखी नहीं थी जो मेरे background की हो और वो अकेले business शुरू कर ले. At that time, there was no e-commerce, there was no Instagram, right? When I was growing up in my O levels and A levels. आहिस्ता आहिस्ता रास्ता बनता गया, मैं बाहर पढ़ने चली गई, उधर से मैंने रियलाइज किया कि इंस्टाग्राम एक चीज है जो शुरू हो रही है. अब बिजनेस पढ़ रही थी, आईबीए में मैंने 2 महीने पढ़ा, तो उसके बाद मैं बाहर चली गई पढ़ने के लिए. सो वो जो, अच्छा, सो जब आप बिजनेस पढ़ रहे होते हैं तो आई थिंक वो आपको एंटरप्रेन्योरशिप वैसे भी सिखा रहे होते, तो आपके जो कॉलीग्स थे, जो क्लासमेट्स थे, यू सॉ फीमेल एंटरप्रेन्योर्स देयर एज वेल? इन अमेरिका देयर वर अ फ्यू, but again no one like me, no one from my background, no one who was Pakistani, who was an immigrant, who came from a middle class family. So I think it comes from resilience. I think aap keh rahi hain ki wo, I think it's a lack of role models as well, right? Hame role models ki zarurat hai ki hum, main kabhi quit karne ka sochti hu, main kehti hu main quit kar hi nahi sakti kyunki abhi itni saari ladkiyan, unko at least ek ladki dikhti rahi hai ki ladki ne business shuru kiya hai, to phir unke andar himmat aati hai. मैंने तो किसी को देखा ही नहीं. देर वर फ्यू जैसे जो मेरा स्कूल है, आई थिंक बीकन हाउस मैंने पढ़ा है, तो बीकन हाउस की जो फाउंडर्स हैं वो वेमेन है. हम टीवी की जो फाउंडर है, मेरा हम टीवी से स्टार्ट हुआ था, दे आर वेमेन, बट देर ओल्डर, राइट. ये जो यंग लड़कियां उठ के, यू नो, लाइक इन देर 20s स्टार्टिंग अ बिजनेस अलोन विदाउट, या उनके साथ हस्बैंड होता था या अब्बा होते थे. तो जैसे मेरे कोई अबू की या चचा की कोई मिल नहीं है, there is nothing. लेकिन तो ये business acumen, मैं वही बात repeat करूँगी, आप कह रही हैं कि people are born with this. Yeah, you're born with it. तो born with what? One, resilience. Born with great resilience, and this, it's a drug. Entrepreneurship is the most addictive drug you can ever taste. Because एक बार अगर आप entrepreneur बन गए, तो मुझे जब मैं acting में आई थी तो लोगों ने कहा था तुम acting कभी नहीं छोड़ पाओगे, fame इतना बड़ा drug है. मैं कहती हूँ फेम से भी बड़ा ड्रग है एंटरप्रेन्योरशिप. और आप देख लें, जब कोई बिजनेस, क्या है ऐसा जो आपको बहुत अट्रैक्ट करता है? द रिस्क, द अनप्रेडिक्टेबिलिटी. आप देखें, लोग माउंटेन क्लाइंबिंग क्यों करते हैं? इट्स अ ड्रग, यू कैन डाई. दे लव चैलेंजेस. सो अच्छा, अगर मैं साइकोलॉजी में चली जाऊँ तो इट्स चिल्ड्रन हु हैव हैड चैलेंजिंग चाइल्डहुड्स, इट्स चिल्ड्रन who have a lot of trauma and who like control because they never had control when they were younger. Oh yes, who like control, you know, because they never had control when they were younger. हाँ. तो अब उन्हें control चाहिए, अब उन्हें power चाहिए, right? Okay. Maybe it's that too. I don't know. मैंने अपनी इस वाली मुझे control वाला part है, वैसे because अब नौकरी में क्या होता है कि कोई और आपको control कर रहा होता है, आप वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, you know, that's the reason a lot of
पर मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है, और ये मैंने पढ़ा भी है, कि जब आप बिजनेस करते हैं और अगर आपको लगता है कि मैं कभी नौकरी नहीं कर सकता था, दैट मीन्स के सो वो डिसिप्लिन भी वहाँ पर आता है, वहाँ पर रेजिलियंस भी आती है, वहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस भी आती है, क्योंकि आपको हर तरह के लोगों को हैंडल करना पड़ता है, आपको बहुत बॉस का प्रेशर एंड ऑल ऑफ दैट. तो अ लॉट ऑफ पीपल सेड दिस, और मैंने बहुत पोस्ट भी पढ़ी थी इस बारे में, कि अगर आप वो नहीं हैंडल कर सकते तो फिर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं. तो अगर आपको लगता है कि आप नौकरी नहीं कर सकते, या आप बॉस नहीं संभाल सकते, आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकते, आप रेजिलिएंट नहीं हो सकते उस सिचुएशन में, तो आप बाकी सिचुएशंस में कैसे होंगे एज एन एंटरप्रेन्योर? एक्चुअली मैं तो आई एम वेरी 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 डिसिप्लिन्ड, अ लिटिल टू डिसिप्लिन्ड. आई स्लीप एट 10 एट नाइट, और मैं सुबह 5-6 बजे उठने वाली बंदी हूँ. आई थिंक जैसे अगर आप बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को देखें, बिल गेट्स या मार्क ज़करबर्ग वगैरह, वो तो यूनिवर्सिटी भी नहीं पूरी कर पाए. आप उनसे कहें कि आपने यूनिवर्सिटी पूरी नहीं की और आपने फेसबुक खोल दिया या आपने माइक्रोसॉफ्ट बना दिया. इट्स अ वेरी ऑड सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर. आप जैसे एंटरप्रेन्योर से मिलती जाएंगी, हम थोड़े ऑड से लोग होते हैं, हम नॉर्मल नहीं होते. एक चीज़ में हम बहुत बुरे होते हैं, फिर एक चीज़ में हम एक्सेप्शनली अच्छे होते हैं. तो डिसिप्लिन तो खैर मेरे अंदर बहुत था, रेजिलियंस भी थी, लेकिन मुझे अगर आप ड्रीम छोटा दे देंगे ना, तो मेरा डिसिप्लिन और रेजिलियंस ख़त्म हो जाती है. कोमल बिकम्स अनडिसिप्लिन्ड एंड नॉट सो रेजिलियंट. बट इफ़ यू गिव हर अ बिग ड्रीम, अ ड्रीम दैट सो बिग कि आपको डर लग रहा है और ऐसे फील हो रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, कोमल बिकम्स वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वेरी रेजिलियंट. इसी वजह से आप कह रहे थे ना कि लाइक आई एम काम डिस्पाइट द कॉन्ट्रोवर्सी, आई एम काम बिकॉज मेरा गोल इतना बड़ा है कि मुझे तो उससे डर लग रहा है. ओ माई गॉड, लाइक आई हैव टू फिक्स पाकिस्तान, दैट्स माई गोल. इट जस्ट सीम्स सो इम्पॉसिबल राइट नाउ, कंसिडरिंग यू नो हाउ आवर इकॉनमी इज. मैं तो उस गोल को देख के डर रही हूँ. ये छोटी छोटी चीज़ें तो मुझे ऑब्स्टिकल्स लगते हैं, राइट? सो या द काइंड ऑफ कंपनी आई वॉन्ट टू बिल्ड. सो वी आर ड्रीमर्स एंड वी चेज आफ्टर आर ड्रीम्स एंड वी आर ऑब्सेस्ड विद आर ड्रीम्स, एंड फॉर दैट हम अपनी पूरी पर्सनैलिटी बदल सकते हैं. हम अगर मैं जो हूँ जैसे सुबह उठने वाली बंदी हूँ, मैं रात को उठने वाली बन सकती हूँ. मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ. ड्रीम आई थिंक इफ यू आर रियली एम्बिशियस तो फिर आप एंटरप्रेन्योर ऐसा होता है कि एंटरप्रेन्योर जो है, मैं अपने दोस्तों से मिलना लेट से छोड़ दिया, अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत कॉम्प्रोमाइज कर दिया, राइट? अपने बिजनेस के लिए, बिकॉज आर बिजनेस इज आर फर्स्ट लव एंड इट्स आर चाइल्ड, इट्स आर एवरीथिंग, राइट? या इट इज आर बेबी, इट इज आर बेबी एंड इट इज आर ड्रीम, इट इज अ पार्ट ऑफ अस. इतनी मोहब्बत आपको करने की ज़रूरत है, और ये बहुत कम लोग होते हैं जो एक बिज़नेस से इस तरह की मोहब्बत करते हैं. बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी मेरे पास, मेरी टीम कुछ ऐसी है जो मेरे बिज़नेस से इतनी मोहब्बत करती है. I am so grateful to them. क्योंकि लेकिन जैसे मैं हूँ ना, फिर मुझे अपने जैसे लोग मिल भी जाते हैं, kind of odd, kind of nerdy. सो या लेकिन जो बात थी कि अपने अंदर एक्यूमेंट बिल्ड करना, मेरे पास इसका जवाब नहीं, क्योंकि लाइक आई वॉज जस्ट बॉर्न विद इट. And I was willing to give up anything in life to just be an entrepreneur. I was willing कि मेरी family मुझसे बात ना करे. I was willing कि let's say मेरी शादी ना हो. I was willing कि मेरे दोस्त ना हो. I was willing to be odd. I was willing कि मैं ऐसे publicly crucify हो जाऊँ. मैं हर चीज़ बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपना business करना है, क्योंकि मुझे drug की तरह addiction है इस चीज़ की. तो अगर आपके अंदर वो एडिक्शन है तो कुछ आपको डेवलप नहीं करना. लोग पागल ही समझेंगे. यस, मैंने अभी आपसे कहा ना कि मैं करोड़ रुपए की नौकरी छोड़ दूंगी, लेकिन मैं पान का खोखा लगा दूंगी, क्योंकि मुझे वो ड्रग चाहिए. जो प्रॉफिट और लॉस का जो ड्रग है ना, इज द मोस्ट अमेजिंग ड्रग एवर. और देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है, बड़ा ग्लोरीफाई किया हुआ एंटरप्रेन्योरशिप को, जिसकी वजह से ये पॉडकास्ट हो रही है बाय द वे, कि एंटरप्रेन्योरशिप इज रियली कूल, राइट? उससे पहले का एक जर्नी होता है जो इतना तकलीफ दे होता है कि मैं कहूंगी कि इस ग्लास को तोड़ के इसकी जो कांच है वो मैं खा रही हूँ रोज. इतना तकलीफ दे होता है वो जर्नी, राइट? एंड यू टेक ऑन दैट जर्नी. वाई डू यू टेक ऑन दैट जर्नी? बिकॉज यू आर क्रेजी एंड इट्स द सेम एज समवन क्लाइंबिंग K2, राइट? कितनी तकलीफ होती है और कितनी सर्दी होती है, लेकिन आप करते हो, बिकॉज आपको ना वो जो समिट का जो ड्रग है ना, वो आपको बुला रहा है. तो एंटरप्रेन्योर्स को पैदाइशी वो एक ड्रग होता है और वो उन्हें बुला रहा होता है. और जब वो उन्हें बुला रहा होता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आपको नौकरी दे दे और बहुत अच्छे पैसों की नौकरी दे दे और आप कर लो. या ऐसा होगा कि अगर आपके पास प्रिविलेज नहीं है, जो कि मेरे पास भी नहीं था, एंड आई एम श्योर देयर आर सो मेनी पीपल जिनके पास ऑलरेडी कैपिटल नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग नौकरी करेंगे और नौकरी करके रोज़ाना दाल चावल खाएंगे, मे बी किसी लंगर से जाके खाएंगे,
और वो सारे पैसे इकट्ठे करेंगे और जितने जल्दी वो अपनी उस ड्रग की तरफ भाग सकते हैं ना वो भागेंगे. So entrepreneurs don't stay in jobs for very long. I want to ask this to you as well. अम्मी की तरफ से प्रेशर आता है शादी का? You're 34, right? 32. I'm 34. अम्मी also like when you are this odd, आपकी फैमिली भी आपके सामने ना आप घुटने टेक दे. नहीं आपके सामने वो they've kind of given up. They're like this person is so odd. They do nothing by society standards. So they're kind of they've given up and they're just praying quietly to God. कि प्लीज प्लांट दिस थॉट इन हर हेड. बट आई विल नेवर से कि जस्ट बिकॉज आई एम अ करियर वूमन मैं ये कहूँगी कि आप शादी ना करें. शादी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का और आपने कोशिश करनी है. मुश्किल होगा ये दोनों चीज़ों को साथ चलाना एंड येस आपका करियर कॉम्प्रोमाइज करता है बट यू जस्ट हैव टू फाइंड अ वेरी वेरी सपोर्टिव पार्टनर हु रियली लव्स यू हु जिसकी खुशी आपकी खुशी में है. सही है. तो गर्ल्स से मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ ऐसा कोई पार्टनर ढूंढें जो वाकई में चाहता है कि आप करियर में आगे जाएं. तो ऐसा मिल सकता है. मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी. अच्छा आप खुद सजेस्ट कर रही हैं लेकिन आपने खुद नहीं करनी शादी. बिकॉज मुझे वो ड्रग इतनी ज़्यादा चाहिए थी. बिकॉज आप तो शोबिज़ से बिलोंग करती हैं एंड यू नो इफ आई टॉक अबाउट अस यू नो लिविंग हियर जो कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड मर्द हजरात के बीच में नहीं बैठता है ना ज्यादातर नैरो माइंडेड या चले नैरो माइंडेड नहीं बोले बट जो ट्रेडिशनल है यू नो दे लाइक दिस लेस करियर ओरिएंटेड वुमेन अराउंड देम. तो आप तो शोबिज में थी एंड हैं आई मीन और शोबिज में तो ऐसे लोग आपको बहुत मिलते होंगे. अच्छा शोबिज में मुझे कभी भी नहीं करनी थी. आई वुड वांट टू मैरी एन एंटरप्रेन्योर ओनली बिकॉज़ ऑफ दिस. या आई एम वेरी क्लियर दैट आई विल मैरी अनदर एंटरप्रेन्योर. शोबिज में क्यों नहीं? आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू दैट. ओके आई एम नॉट I really like men who think big and entrepreneurs think the biggest, right? So, फिर वो बनेगी नहीं हमारी क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा सोचती हूँ. तो I would want someone who is definitely क्या ज़रूरत है ये करने की और बिजनेस करने की और नहीं देखिए जो एक्टर्स भी है ना वो भी क्या करते हैं. They get paid by companies to do commercials. They get paid by production houses to do dramas. So they are sort of freelance employees. Right? I have risen above that. I'm an entrepreneur. I create jobs for other people. I even create jobs for other actors now, right? I hire them for shoots. So I would want someone at that level who thinks that big and who's creating employment for other people. Interesting. So it would be, I am very clear about it that it will have to be another entrepreneur because only they will understand how odd I am and how crazy I am and what this drug is and why we chase it. So, या दैट. बट हाँ प्रेशर है अम्मी की तरफ से नहीं है. आई थिंक हम लोग कभी कभी अपने ऊपर खुद भी प्रेशर ले लेते हैं. तो समटाइम्स आई फील लाइक यार आई एम काइंड ऑफ ऑड. 34 इज अ बिट यू नो लाइक लेट. तो मे बी आई शुड हैव डन इट बट आई जस्ट रियली 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 वॉन्टेड टू परसू माई एजुकेशन देन परसू एक्टिंग देन बिल्ड माई बिजनेस एंड ऑल ऑफ दिस रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ इमोशनल इन्वेस्टमेंट. So I think it would have been unfair to marry someone and then still be married to my business. I didn't want to do that. तो मेरा ये है कि मैं ये जो आप advice दे रही हैं young female entrepreneurs को तो उनके लिए भी तो यही चीज apply होती है ना because eventually they are already married to their businesses, you know. Yeah, they are. तो मैं अपना ये कहूँगी कि मैं I'm actually अब मैंने बोलना शुरू कर दिया. पहले मैंने कहती थी I say that I'm very odd, right? Maybe they're less odd than me. Maybe they want both. I would prefer कि ज़्यादातर लोग want both. उनकी शादी भी हो खुश भी रहें उनकी family भी हो और उनका business. Did you get proposals? Of course. Proposals तो मेरे brain में constantly चल रहा था यार proposals तो आए होंगे I'm sure you know. Yeah and that has happened. Because if you get proposal then there must be somebody out there who is willing to you know accommodate along with your business and stuff. So, I just knew I would not be able to do justice to that relationship. Okay. Or सबसे important मैं आपको बात बताती हूँ why I waited. I'm ready for marriage now. I do think I will inshallah get married soon. I'm ready now because अब मेरा business ने break even भी कर लिया है वो grow भी कर गया है काफ़ी हद तक automate भी हो गया है. तो मैं ना कभी भी कोई भी चीज़ आधी नहीं कर सकती. I'm a perfectionist. I like to do things right. So relationship भी मैंने perfection के साथ करनी है.
राइट. तो बिजनेस पे मैंने पहले पूरा फुल फोकस दिया, उससे पहले एक्टिंग पे फुल फोकस दिया, उससे पहले पढ़ाई पे पूरा फुल फोकस दिया. तो मैं चाहती हूँ कि मेरा बिजनेस अब इतना अच्छा से ग्रो हो गया, आई हैव दीज वंडरफुल मैनेजर्स एंड आई विल ऑलवेज बी हियर, मे बी आई हायर अनदर सीईओ मे बी, और मे बी आई विल कंटिन्यू टू बी द सीईओ. अब मेरी लाइफ में वो पॉइंट आया है कि देर इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, देर इज इमोशनल स्टेबिलिटी. अब देखो, लेट्स से इफ आई वाज मैरिड एंड अभी जैसे कि इंसिडेंट हुआ, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आ सकता है मेरी शादी के ऊपर, राइट, कि मैं कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोच रही हूँ. लेकिन मैंने अब अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि आई विल नॉट टेक वर्क होम, मैं उसे स्विच ऑफ कर सकती हूँ. उसमें टाइम लगा है, 5 साल मैं यू नो एक कंपनी की सीईओ रही हूँ, तो अब मेरे अंदर वो इमोशनल कंट्रोल आ गया है. सिमिलरली आई हैव टाइम नाउ बिकॉज आई हैव बीन एबल टू ऑटोमेट माई बिजनेस सो मच. तो मैं चाहती हूँ कि नाउ व्हेन आई गेट मैरिड, लाइक आई बिकम द बेस्ट वाइफ एवर, राइट. तो ये काम भी बिल्कुल परफेक्टली करना है. आई थिंक यू आर राइट, बिकॉज अच्छा ये है कि इनिशियल फेजेस ऑफ द बिजनेस रिक्वायर्स मोर टाइम इन्वेस्टमेंट एंड स्पेशली द फर्स्ट फ्यू इयर्स. एंड वंस यू आर एबल टू बिल्ड दैट, यू कैन यू नो फाइंड दैट वर्क लाइफ बैलेंस. हाँ, तो मुझे लगता है अब मैं वो वर्क लाइफ बैलेंस कर सकती हूँ. दूसरा एक और मुझे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बस पता नहीं अंदर से हमेशा से था कि इवन व्हेन आई वाज यंगर आई वाज ऑलवेज गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रपोजल्स, बट आई डिडंट वांट टू बी नोन एज द प्रिटी गर्ल हु मैरिड अ रिच गाय. आई डिडंट वांट दैट, राइट. आई वांट गोल्ड डिगर नहीं बनना. नहीं, गोल्ड डिगर में कोई बात नहीं, यू कैन बी अ गोल्ड डिगर. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद वांटिंग मनी, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हैविंग एंबिशन और वांटिंग समवन हु हैज एंबिशन. आई एक्चुअली वांट समवन हु इज एन एंटरप्रेन्योर, आई वांट समवन हु इज सक्सेसफुल. But I didn't want to do it when I didn't have it. अब मैं बड़े फखर से कहती हूँ कि I want someone successful, I want an entrepreneur. True. But when I was 16, I hadn't achieved anything then, right? It didn't feel right to want it then, even though I wanted it then too, but I didn't want to act upon it then. Now that I have it on my own, I can very proudly say it. दूसरा, अगर मैं आपको थोड़ा सा पाकिस्तान का structure बताऊँ तो it's a patriarchy, right? Men have a lot of power. So मुझे एक ये भी था कि माई फादर हैज़ पास्ड अवे 7 years ago, आई डोंट हैव अ ब्रदर. सो अगर मैं शादी करती हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी मैं एक वीक पोजिशन में भी आ सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास मेल फिगर नहीं है एंड उसमें आई थिंक कभी कभी अब्यूज़ का डर होता है, राइट. और अगर ऐसे है तो मैं वापस कहाँ जाऊँ, तो फिर देन यू गेट स्टक इन अब्यूज़, राइट. सो पहले मैंने अपने आप को गार्ड करना था, मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना था फाइनेंशियली एंड इमोशनली, राइट. फाइनेंशियली आई हैव माई ओन बिजनेस, आई हैव माई एक्टिंग करियर, आई हैव माई पोर्टफोलियो. सो गॉड फॉरबिड, आई नो दिस वोंट हैपन, गॉड फॉरबिड इवन इफ इट हैपन्स, आई कैन लीव, राइट. डिस्पाइट नॉट हैविंग अ फादर एंड डिस्पाइट नॉट हैविंग अ ब्रदर एंड डिस्पाइट लिविंग इन अ पेट्रियार्की जहाँ पे कोर्ट का निज़ाम इतना अच्छा नहीं है, आई कैन लीव. इवन गॉड फॉरबिड इफ आई गेट इन टू द रॉन्ग हैंड्स, I alhamdulillah have enough power that I will be okay. तो ये वैसे मैं बहुत ही केयरफुल हूँ, बाकी लोग इतने केयरफुल नहीं होते, लेकिन मुझे लगता है शादी जो है आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन है, तो आपको थोड़ा केयरफुल होना चाहिए. हम बिजनेस प्लान्स पे कितना टाइम लगाते हैं, हम पिच डेक्स पे कितना टाइम लगाते हैं, तो मुझे लगता है शादी पे भी आपको जरा सोच समझ के. I completely agree with this and I can somehow relate with you because of the fact that I lost my father 7 years back also. Oh, I'm so sorry. So I knew this that I need to be financially stable. A, this is important. B, then I have to also, you know, sort of make myself emotionally strong as well, not just financially strong, because eventually what happens when you don't have a backup, you know, father is always a backup, you know, you can go back to somebody and he can help you with, and you are way more strong in the society because you have father. But when you don't have that, then you must have to have this emotional strength along with you. And because my mother is a homemaker, you know, तो वो बाहर नहीं जाती हैं ज़्यादा society में इतना, and societal pressure को वो ले भी लेती हैं बहुत ज़्यादा. तो मुझे यही होता है कि यार अगर मैं भी इमोशनली स्ट्रांग नहीं हूँ तो अम्मी तो स्टैंड नहीं ले सकती, यू नो, पापा तो है नहीं तो स्टैंड कौन लेगा. तो इमोशनल स्ट्रेंथ भी बिल्ड करनी है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी बिल्ड करनी है, दैट इज़ द रीज़न. तो फिर अल्लाह ताला जो करते हैं ना कहीं वो आपको अल्लाह ताला को लेके जाना होता है किसी डायरेक्शन में. अल्लाह ताला वांटेड यू टू यू नो टू बी हेयर टू बिल्ड समथिंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, तो उन्होंने इवेंचुअली आपकी सिचुएशंस वैसी बनाई हैं. बिल्कुल, मैं ऐसे कहती हूँ, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट इंस्टेड ऑफ बीइंग अ विक्टिम एंड बीइंग लाइक ओह माय गॉड मेरे साथ कितना बुरा हुआ है मैं बेचारी. नो, यू यूज इट एज फ्यूल
एंड यू गो बिल्ड समथिंग रियली बिग एंड यू राइज लाइक अ फीनिक्स राइट. तो एक ये भी है और एक और बात आप कह रहे हो आप इमोशनल स्टेबिलिटी तो आप अपने अंदर ला रहे हो फाइनेंशियल भी ला रहे हो यू आर ऑल्सो गेटिंग पावर बाई डूइंग दिस पॉडकास्ट राइट. सो आई विल ऑल्सो से कि लड़कियाँ ना आजकल से बात हो रही है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी लेकर आएँ इमोशनल स्टेबिलिटी भी लेकर आएँ एंड ट्राई टू हैव लॉट्स ऑफ गुड कनेक्शंस ट्राई टू हैव अ ह्यूज नेटवर्क एंड ट्राई टू हैव पावर राइट. पावर अलग है और मनी अलग है ठीक है. तो पावर आपको मिलता है बाय बीइंग अ पब्लिक फिगर. पावर आपको मिलता है बाय बीइंग अ पॉडकास्टर. दैट्स अ ब्यूटीफुल पावर टू हैव एज वेल. इन्फ्लुएंस फेम पावर दीज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी नाइस एंड दीज आर थिंग्स दैट ट्रेडिशनली ओनली मेन हैव हैड राइट. नाउ विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया वुमेन आर ऑल्सो getting a share of this power. So amazing. Go for this power. Amazing, as well. Amazing. So what's the plan with Omal by Komal? Omal by Komal ke saath plan. Yes, mehnat karne ki zarurat nahi hai. Chale ja rahe hain waise hi. नहीं नहीं माशाल्लाह अभी एक्चुअली मैंने इतनी मेहनत नहीं की है. अब आई विल स्टार्ट बिकॉज ओमल बाय कोमल क्या हो रहा था अभी हम जैसे एक बिल्डिंग खड़ी होती है ना तो उसमें आप क्या करते हैं पहले आप सरिया डाल रहे होते हैं बहुत सारा आप उसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं ताकि यू कैन बिल्ड दैट 30 फ्लोर बिल्डिंग. माय एम इज़ टू बिल्ड इट टॉलर देन बुर्जुल खलीफा लेकिन उसके लिए आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. सो इन द पास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव जस्ट बीन वर्किंग ऑन द फाउंडेशन एंड आई फील लाइक अगर थोड़े बिजनेस बैकग्राउंड के लोग हैं तो लाइक मैंने अपनी HR पॉलिसीज को डिवेलप किया है. मैंने अपना ERP सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है. मैंने अपना वेयर हाउसिंग का सिस्टम बेटर किया है. मैंने मल्टीपल मैनेजर्स हर डिपार्टमेंट के हायर किए हुए हैं. एक दो जगहों पे जहाँ लैगिंग थी उनको सही किया है. मैंने अपने KPIs सेट किए हैं. मैंने अपने SOPs बनाए हैं. मैंने जो है अपनी डिमांड प्लानिंग का सिस्टम पूरा खड़ा किया है. उसके बाद मैंने सक्सेशन प्लानिंग की है. यानी इवन मेरी भी सक्सेशन प्लानिंग है कि अगर गॉड फॉरबिड समथिंग हैपेंस टू मी द कंपनी कैन रन विदाउट मी एज वेल. दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आई यू नो व्हेन आई इंटरव्यू एंटरप्रेन्योर्स तो वे हमेशा बात कहते हैं कि अगर ये नहीं किया ना तो यू नॉट अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. यस. सो आई हैव वर्कड अ लॉट ऑन ऑल ऑफ दीस थिंग्स. अब हम रेडी हैं टू स्केल. ओह इंटरेस्टिंग. सो इट्स अ नॉर्मल मिड साइज बिजनेस दैट्स नाउ गोना स्केल एंड इंशाल्लाह बिकम समथिंग रियली बिग एंड इवन मोर वायरल. एंड इन द मीनवाइल मैंने अपने फॉलोअर्स बढ़ाए हैं. मैंने पूरा बिजनेस को एज एन एंटरप्रेन्योर सीखना शुरू किया है. और स्पेशली जब ये इंसिडेंट हुआ था ना तो मुझे उस वक्त फील हुआ था कि ओ गॉड लाइक अल्लाह मियाँ अब मुझे किसी बहुत ही आगे पहुँचाना जा रहा है. तो व्हेन गॉड वांट्स टू प्रोपेल यू फॉरवर्ड ही पुशेस यू बैक अ लिटिल. पूरा बूमरैंग इफेक्ट होता है. थोड़ा सा आप पुश बैक होते हैं उसके बाद यू आर प्रोपेल्ड फॉरवर्ड राइट. सो आई सी दैट हैपनिंग. तो आई हैव बिग ड्रीम्स फॉर ओमल बाय कोमल. आई वॉन्टेड टू बी the most major e-commerce clothing brand particularly for party wear but also I also see regular a brighter future of this because you're not making a luxury brand you know. Luxury mujhe bilkul bhi nahi. I want to connect to the audience. I want it to be affordable and it is affordable. Yes. And mera jaise abhi jo acha kapdon ki mujhe bachpan se hi obsession thi jis tarah maine kaha na ki entrepreneurship ki thi waisi kapdon ki thi ki kapdon ke liye main mar bhi sakti hu. Like ऐसा वाला हाल था बचपन से. ऐसे ही हाल था. मेरी अम्मा मुझे परेशान थी. Designs are very beautiful by the way. Thank you. Thank you so much. मैंने पेज बहुत पहले से देखा हुआ है. हमेशा ही देखती हूँ. Thank you. I just love the designs. Thank you. अभी मैंने पहना नहीं है वैसे. I'll check the fabric as well. तो उस पे मैं comment नहीं करूँगी. But the designs. We're gonna be starting with stores as well. So I think that's when we'll go mainstream, which is what we are planning to do next year. Also, आप influencer हैं तो आपके और भी influencers और celebs से you know you have these connections. Do you use those connections? Not that much. Why not? कोई भी इन्फ्लुएंसर लेड बिजनेस है तो आपका तो इन्फ्लुएंस है बट शोबिज में अगर आपके इतने माशाल्लाह कनेक्शंस हैं तो बताओ उसका नुकसान हो गया मुझे. क्यों? कुछ जगहों पे पीपल हैव अनफॉर्चुनेटली नॉट बीन सपोर्टिव. अच्छा. एंड कुछ जगहों पे वो इतने सपोर्टिव हैं कि वो बोलते हैं हम पैसे ही नहीं लेंगे और उसके बाद फिर वो डेट ही नहीं देते. तो आई एम लाइक यार इससे अच्छा तो आप पैसे लेके मेरे लिए काम कर लेते. तो लोगों को दूर से लग रहा होता है कि भाई ऐसा भी है कि सपोर्ट नहीं मिलता. सपोर्ट नहीं भी मिलता बिकॉज jealousy will always be a factor maham like and anyone who's following me when you become successful you'll be surprised at how many people don't want you at the top. Unfortunately in Pakistan this is a reality. So I don't have that many supporters and especially jab is tarah ke incidents hote hain na to aapko aur realize hota hai ki oh my god so many people are just waiting for me to fall right. But uski wajah se main bilkul disheartened nahi hoti. I use it as fuel. I'm like watch me
देखना. So, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है शोबिज में? कौन है शोबिज में? कोई नहीं. नो बेस्ट फ्रेंड? नो. फ्रेंड? नो. उससे नीचे तो है नहीं. उससे नीचे सिर्फ कॉलीग्स हैं. एवरीवन इज अ कॉलीग. बट यू मस्ट बी फाइंडिंग सम फीमेल. आई विल टॉक अबाउट फीमेल स्पेसिफिकली. वो फीमेल एक्टर्स एक्ट्रेसेस स्पेसिफिकली के जिन्होंने आपको ओमल व कोमल में सपोर्ट किया. या या हिना अल्ताफ हैज, किंजा हाशमी हैज, युमना जैदी हैज. दे आर ऑल वेरी नाइस स्वीट गर्ल्स. दे हैव रियली सपोर्टेड मी. यशमा हैज. तो ये सारी लड़कियां जिन्होंने मेरे साथ काम किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट की है. But yeah, I'm grateful for it. But अब मैं इतना use नहीं करती. अब I go through a professional channel and I would like to pay people for their work and just do it. अच्छा. ये दूर से ना बहुत लग रहा होता है कि इतना आसान होगा क्योंकि ये तो influencer है. ये भी मुझे लगता है कि victim mindset है. हम नहीं कर पाए इसके लिए तो बड़ा आसान है. अपने आप को justify करना कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसके पास तो सब कुछ है. लोगों को बस कोई ना कोई, ये अमीर है इस वजह से इसने कर लिया, ये फेमस है इस वजह से इसने कर लिया, ये लड़की है इसने इस वजह से कर लिया, ये लड़का है इसने इस वजह से कर लिया. प्लीज स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस. हर कोई कर सकता है. प्लीज, इवन इफ यू डोंट हैव मनी, इवन इफ यू डोंट हैव फेम, यू जस्ट हैव टू हैव अ विल. बट ये देखिए, ये है ना, दिखता है कि आसान है कि जिसके पास इन्फ्लुएंस है. पर अगेन, वो इन्फ्लुएंस बिल्ड करने के लिए भी आप एक जर्नी से गुजरी हैं. ठीक है. और सो गो बी एन इन्फ्लुएंसर. हाँ, वो भी अ पॉडकास्टर, वो भी अ ब्लॉगर. अब तो आप घर से कर सकते हो. कर लो, मैंने कब रोका आपको. राइट. ये तो मैं टीजर में लगाने वाली हूँ. लगा ले. अच्छा, ओके. सो द लास्ट क्वेश्चन इज दैट आपने बताया उमर भाई कोमल के लिए आपके बहुत ज़बरदस्त प्लान्स हैं. वो क्या मैसेज है जो आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहेंगे, फीमेल मेल बोथ एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस स्टूडेंट्स, जो हमेशा याद रखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट ट्राई टू बी एन एंटरप्रेन्योर बिकॉज यू थिंक इट्स रियली कूल. प्लीज, फॉर हेवन्स सेक, डोंट डू इट बिकॉज ऑफ दैट. डू इट इफ यू आर विलिंग टू, लाइक आई सेड, be in a lot of pain, go through an incredibly hard time, go through a lot of beastly, go through low self-esteem, go through financial difficulty. अगर ये सारी चीज़ें आपको शुरू में करनी है और बर्दाश्त कर सकते हैं तब आप बने. वरना क्या होगा, आप थोड़े से टाइम के लिए करेंगे जो कि जेन ज़ियर्स करते हैं, उसके बाद क्विट करके आपने वापस नौकरी करनी है तो आप शुरू से नौकरी कर लें फिर. ठीक है. अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, प्लीज़ रियलाइज दैट इट इज़ नॉट एज कूल एज इट लुक्स राइट नाउ. देर इज़ अ वेरी अगली एंड डिफिकल्ट जर्नी दैट कम्स बिफोर इट. इफ़ यू आर विलिंग टू डू दैट एंड इफ यू आर विलिंग टू वर्क 24/7 एंड इवन देन देर इज़ नो प्रॉफिट और मनी गारंटीड, इफ़ यू आर विलिंग टू डू दैट, श्योर डू इट. और अगर मैं बहुत सिंपल सी बात कहूँ फ्रॉम एज अ मार्केटर, मैं कहूँगी प्लीज़ कोशिश करें, क्योंकि आजकल हर लड़की को कपड़े का बिजनेस करना है. राइट. जो सब कर रहे हैं, अगर आप वो कर रहे हैं तो आप एंटरप्रेन्योर तो हैं ही नहीं. राइट. सबसे बड़ी बात, इफ़ यू आर स्मार्ट विमेन, प्लीज़, इफ़ यू आर स्मार्ट, यू हैव टू डू समथिंग दैट नो वन एल्स इज़ डूइंग, क्योंकि उसमें आपके पास कॉम्पिटिशन नहीं है, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट लो है. मेक श्योर योर प्रोडक्ट मार्केट फिट इज़ वेरी गुड. जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी मार्केट बहुत ज़्यादा है और आपके पास कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है. अगर आपके पास कंपटीशन है तो फिर मेक श्योर दैट यू हैव अ लॉट ऑफ मनी ताकि आप उनकी मार्केटिंग से कम्पीट कर सकें. सो इफ़ यू डोंट हैव मनी, इफ़ यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्टार्टअप कैपिटल, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू समथिंग. आप एक मार्केट की ऐसी नीश को कैप्चर कर रहे हैं जो किसी और ने कैप्चर नहीं किया, और अभी भी बहुत सारी नीशेज हैं. You just have to look at that. तो basically मेरा यही बात होगी कि प्लीज़ स्कूल बनने के लिए ना करें, अपनी ईगो को स्ट्रोक करने के लिए ना करें, और जो सब कर रहे हैं वो ना करें. लवली यार, एंड आई थिंक मैं एक चीज़ बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि आपने जो भी किया, आई थिंक यू डिडंट हैव मेंटर्स, यू नो. आई सी अ लॉट ऑफ फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हु डू दिस, बट समवेयर दे डू हैव मेंटर्स, फैमिली से या फ्रेंड्स से. फॉर मी, असद सर इज़ अ वंडरफुल मेंटर, यू नो. विदाउट हिज सपोर्ट, नॉट जस्ट लाइक हीज यू नो, जेनेसिस हैज इन्वेस्टेड इन हसल फाइनेंशियली, बट हिज टाइम इन्वेस्टमेंट. अच्छा, मुझे मेरे भी थोड़े बहुत एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स हैं जो मेंटोर्स हैं, जैसे मैं आपको बता रही थी कि यू नो, मेरी दोस्त है जिसको आप जानते हैं, सोफिया शाह, हु इज अ वीसी, वो मेरी हेल्प कर देती है कुछ चीज़ों में. मेरे फ्रेंड हैं साद अफरीदी, जिनका सेंस एंड स्टोरीज है, वो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं. और भी मेरे एक दो इस तरह के एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स हैं जो मेरी हेल्प करते हैं,
I have a mamu who is an income tax lawyer. तो मुझे taxes में थोड़ी help कर देते हैं. Okay. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अकेली खड़ी नहीं हूँ. There is a community. And I think सबसे ज़्यादा मेरे parents की कुर्बानी है, right? तो mentorship ना भी हो, अगर आप इस तरह के backgrounds हैं जहाँ पे आपके parents ने अपना सब कुछ कुर्बान किया है आपको तालीम देने के लिए, तो how can you give up? You just can't give up. So they are my mentors. Amazing. Right? And all the women who did not have anyone who was self-made and became an entrepreneur, they are also my mentors. Right? तो इंस्पिरेशन ढूंढना मुश्किल है, लेकिन हाँ मेंटर्स आपको कहीं ना कहीं हर 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 फील्ड का, हर डिपार्टमेंट का, आप काम करने के लिए निकले मिल जाएंगे लोग. लोग नमूदार होते हैं, अल्लाह ताला भेजता है लोग आपके लिए, कोई ना कोई आ जाएगा आपकी हेल्प करने के लिए. तो अभी and that's what I said to you, you know, not just the financial investment, but the way Asa sir and Genesis have invested their time and efforts on you. There's so many good people out there. अगर आप कोशिश करें, अगर आप लड़की हैं, अगर आप लड़की हैं, आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, आप कोशिश करें और दिल लगा के कोशिश करें. Someone will show up. I promise you it will happen. Please have faith in God and have faith in humanity as well, right? There will be many people who will also show up to pull you down. इसमें भी आप पब्लिकली मैं एक एग्जांपल हूँ, राइट? तो दिस विल आल्सो, और ये पहली बार नहीं हो रहा और आखिरी बार भी नहीं हो रहा. टू ग्रो थिक स्किन, या ग्रो थिक स्किन, ये होता रहेगा. लोग, एक दो बड़े अच्छे लोग आएंगे आपको पुल अप करने के लिए और हजारों लोग आएंगे आपको पुल डाउन करने के लिए. तो जस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ग्रो अ थिक स्किन, एंड दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, इट विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग दिस रॉ, दिस what's that word called, filterless, okay, unfiltered filterless conversation, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी. आपने मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, वरना जनरली ये कॉन्ट्रोवर्सीज में लोग डिनाई कर देते हैं, इस बार बात नहीं करो, स्क्रीन शॉट्स मत खोलो, क्वेश्चन ज़्यादा मत पूछो. एंड आई एम रियली ग्लैड कि आई मीन वो भले ही 35-40 मिनट चली गई वो बात, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं वो बात करने में, तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है. सो थैंक यू सो मच फॉर बींग दिस वे. Loved it. Thank you.